मैं निशांत श्रीवास्तव दृष्टि के इस स्पेशल करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत करता हूं स्टूडेंट uh, जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी ने अपने प्रिलिम्स के पेपर को टालकर 31 मई 2020 से टालकर 4th ऑफ अक्टूबर 2020 को कराने की घोषणा की है तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये हमारा एक स्पेशल करंट अफेयर्स प्रलिम्स का एक कोर्स है सेशन uh, को आगे बढ़ाने से पहले मैं आज के सेशन में डेफिनेटली uh, जो एकेडमिक बातें हैं उन्हें जरूर स्टार्ट करूंगा आ, लेकिन मैं सबसे पहले आ, जो हमारी क्लासेस होंगी उनका एक ब्रीफ आउटलुक देना चाहूँगा और ब्रीफ आउटलुक देने के बाद किस तरीके से मैं क्लासेस कराऊँगा मोबाइल ऐप में आपको क्लासेस किस तरीके से मिलेंगी आ, आपको कौन सी अकेडमिक रिक्वायरमेंट को फॉलो करना है आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है नोट्स कैसे बनाने हैं गूगल पे अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो गूगल पे किस तरीके से देख लेना है और इसी दौरान सेशन के दौरान मैं बहुत सारा होम असाइनमेंट भी आपको दूंगा तो आपको मेरे साथ काफी सारा वर्कआउट करना पड़ेगा क्योंकि अब आप देख ही रहे हैं कि एग्जाम चार महीने आगे चला गया है तो डेफिनेटली ये जो तीन चार महीने का करंट इश्यू है ये भी एड हो जाएगा स्टूडेंट uh, सेशन uh, को आगे बढ़ाने से पहले uh, जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं आ, मैं सबसे पहले ये उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे आप अपने साथ साथ अपने पूरी फैमिली मेंबर्स का ख्याल रख रहे होंगे ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम है ये केवल स्टूडेंट के लिए ही नहीं ये केवल टीचर्स के लिए ही नहीं ये पूरी मानव जाति के लिए काफ़ी मुश्किल समय है आ, ऐसा क्राइसिस शायद शताब्दियों में पहली बार एक आया होगा ये तो इस दौरान जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट एज अ टीचर भी मैं फील कर रहा हूं आई होप एज अ स्टूडेंट भी आप फील करेंगे कि अकेडमिक कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है इसलिए नहीं कि हम पढ़ना नहीं चाहते हैं बल्कि इसलिए कि आपके आस पर इतने सारे घटनाक्रम हो रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं एक डर भी रहता है कि शायद ये चीज हमें ना हो जाए हमारे फैमिली के किसी मेंबर को ना हो जाए और इन सब उथल पुथल के दौर में एग्जाम का पहले ना होना फिर टलना फिर एक बार फिर से टलना और अब जाके फोर्थ ऑफ अक्टूबर को डिक्लेयर करना इस पर कंसंट्रेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट uh, रियलिटी ये है कि ये काफी मुश्किल समय है शायद छः महीने शायद साल भर शायद डेढ़ साल हमें इस तरीके से ही कुछ जो नॉर्म्स हैं उन्हें फॉलो करते हुए जीवन व्यतीत करना होगा बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जब जब ऐसे चैलेंज ह्यूमैनिटी के सामने आए हैं ह्यूमैनिटी बहुत तेजी से आगे से रिकवर करके सामने आई है तो डेफिनेटली मेडिकल साइंस जो तरक्की कर चुका है मेडिकल साइंस पे वर्कआउट कर रहा है और डेफिनेटली कोई ना कोई इंप्रूवमेंट जरूर होगा लेकिन एक चीज मत भूलिए कंपटीशन नहीं कम हो रहा है आप शायद अभी साइकोलॉजिकली उतना कंसंट्रेट uh, नहीं कर पा रहे हैं फिजिकली uh, और इमोशनली थोड़े परेशान हो चुके हैं लेकिन एक चीज मत भूलिए कॉम्पिटिशन का लेवल कहीं नहीं जा रहा है यूपीएससी परीक्षा कराएगा ही कराएगा आगे कराएगा 2021 में कराएगा 2022 में कराएगा और जो स्मार्ट स्टूडेंट है वो समय का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी जो कमियां हैं एकेडमिक कमियां हैं उन्हें दूर करने की कोशिश कर रहे हैं तो प्लीज ये मत सोचिए कि ये, ये तीन महीने के लिए एग्जाम टल गया है ये तीन महीने का कॉम्पिटिशन थोड़ा और टफ हो गया है और जो इस साल परीक्षा नहीं भी दे रहे हैं काफी सारे लोग का अगर परीक्षा टालने के मूड में है तो मत भूलिए 2021 की जो परीक्षा होगी वो और टफ होगी नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स और बढ़ेंगे और वैसे ही प्राइवेट सेक्टर में जब जो प्रॉब्लम आती है तो पब्लिक सेक्टर की तरफ लोगों का आकर्षण और बढ़ जाता है तो कंपटीशन का दौर और सख्त होगा तो इन बातों को ध्यान में रखें जो इस वर्ष की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है जो इस वर्ष की परीक्षा नहीं भी दे रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत रेलिवेंट है क्योंकि आपको दो में ये पूरी चीजें हेल्प तो करेंगी करेंगी स्टूडेंट मेरा ये जो करंट अफेयर्स का प्रोग्राम है प्रिलिम्स 2020 का आज से मैं जो सेशन चालू कर रहा हूं ये बेसिकली फेज वन है इस फेज वन के अंतर्गत मैं अप्रैल 19 से लेकर मार्च 2020 तक के जितने करंट इश्यूज रहे हैं उन्हें कवर करने की कोशिश करूंगा Uh, और जैसे ही ये फेज वन कंप्लीट होगा आप अप्रोक्सीमेटली मान के रखिए नॉर्मली जो मुझे पूरा साल भर का करंट इश्यूज क्लास में कवर करने में लगते हैं तो आप मान के रखिए कि इसमें करीबन तीस से पैंतीस क्लासेस हो जाएंगी उसके बाद अब क्योंकि चार महीने और ऐड हो जाएंगे मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई ये चार महीने और ऐड हो जाएंगे तो उसके बाद में फेज टू आपके साथ शेयर करूंगा जो करंट अफेयर्स का फेज टू होगा उस फेज टू में मैं अप्रैल 20 से लेकर मिड ऑफ जुलाई 20 तक के जितने करंट इश्यूज हैं उन्हें मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा तो स्टूडेंट ऑलमोस्ट uh, uh, आप मान सकते हैं कि 15 से 17 महीने का करंट इश्यूज मैं क्लास में कराने की कोशिश करूंगा काफी चैलेंजिंग टास्क है एक शिक्षक होने के नाते भी मेरे लिए बहुत मुश्किल समय है मैं इस समय कैमरे को देख के पढ़ा रहा हूँ uh, मैं अपने स्टूडेंट्स की ना चेहरे हैं मेरे सामने ना उनकी आईज है मेरे सामने न, तो मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि संवाद एक तरफा हो रहा है स्टूडेंट की आई कांटेक्ट ही सबसे बड़ा संवाद होता है आ, वो चीज अभी मैं मिस कर रहा हूं आ, लेकिन हम मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हमें एग्जाम निकालना है हमें एग्जाम की तैयारी करनी है तो इस अकेडमिक इनपुट की क्वालिटी इतनी जरूर रखें कि आपका कोई नुकसान ना होने पाए आप ज्यादा से ज्यादा सीख सके तो स्टूडेंट दो चीजें याद रखिएगा ये जो प्रोग्राम है इसके दो पार्ट है फेस वन फेज टू फेज वन में आज से स्टार्ट कर रहा हूं और इन दोनों प्रोग्राम में कुछ चीजें सिमिलर रहेंगी तो वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं आ, मैं इस पूरे कार्यक्रम का एक आउटलुक आपके साथ शेयर कर लेता हूं एक दृष्टिकोण शेयर कर लेता हूं कि मैं किस तरीके से क्लासेस करूंगा आ, मैं अपनी पूरी क्लासेस को छ या सात टॉपिक में डिवाइड करके आपके साथ शेयर करूंगा आ, जो पहला टॉपिक होगा जिसकी आज मैं शुरुआत भी करूंगा वो होगा मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज। इन मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज में मैं आपके साथ क्या क्या शेयर करूंगा नंबर वन आरबीआई की विनियामक नीतियों से संबंधित विषय आरबीआई uh, की मौद्रिक नीति आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी साथ ही साथ बैंकों से जुड़े हुए बैंकों की रेगुलेटरी पॉलिसी से जुड़े हुए पहलू कैपिटल मार्केट टैक्सेशन फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट के कई सारे स्टेप्स अब जैसे कि डेफिनेटली फेज टू में हम आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात करेंगे लेकिन फेज वन में जो पुराने दो बजट हैं उन्नीस के और बीस के उन्नीस जुलाई और बीस फरवरी के उनसे हुई चीज़ें शेयर करेंगे और बहुत सारे एकेडमिक इनपुट्स इकोनॉमिक टर्म्स जो लगातार साल भर चर्चा में रहे हैं जहां से यूपीएससी के प्रश्न बनाने की संभावना ज़्यादा है उन्हें मैं शेयर करूंगा तो मेरा पहला टॉपिक रहेगा मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज इस मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज के अंतर्गत आप साल भर के आर्थिक घटनाक्रमों की जानकारी और केवल जानकारी एकत्रित नहीं करनी है स्टूडेंट जानकारी के लिए तो आपके पास मैगजीन्स हैं ना जाने कितनी सारी वेबसाइट्स हैं सबसे अच्छी स्किल ये होती है कि आप ये जान सकें या ये इमेजिन कर सकें कि क्वेश्चन कहां से जनरेट होगा उसका एक नमूना आपके साथ जरूर शेयर करेंगे मेरा क्लास का जो दूसरा पार्ट रहेगा वो रहेगा थीम्स फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे अब इकोनॉमिक सर्वे दो हो गए हैं और बजट दो मतलब एक जुलाई 2019 में आया था जब सरकार ने अपना एक बजट पेश किया था नई सरकार ने 2019 में और साथ ही साथ 2020 में तो निर्मला सीतारमन जी के दो बजट 19 2019 जुलाई मंथ का और 2020 फरवरी मंथ का और इकोनॉमिक सर्वे उन्नीस में भी इकोनॉमिक सर्वे बीस पे भी इकोनॉमिक सर्वे तो उस इकोनॉमिक सर्वे की ऐसी ऐसी छोटी छोटी थीम्स जहां से क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे की समरी पढ़कर आप एग्जाम नहीं निकालिए वो आपको मेन्स में ज्यादा हेल्प करेगा उन थीम्स थी पिकअप करिए जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा है तो ये मेरा दूसरा पार्ट रहेगा जो तीसरा पार्ट रहेगा स्टूडेंट वो रहेगा विभिन्न प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल इश्यूज। अब जरा अपनी मेमोरीज को थोड़ा शार्प करिए देखिए पिछले एक साल में किस प्रकार के घटनाक्रम हुए हैं ऐतिहासिक जजमेंट आए हैं चाहे वो राम मंदिर वाला विषय रहा हो साथ ही साथ ऐतिहासिक स्टेप्स लिए गए हों चाहे वो 370 वाला विषय रहा हो सी ए और एन आर सी वाले विषय रहे हों और इसमें बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स एडिटोरियल्स हमारे अखबारों में आए हैं और उनमें बहुत सारी थीम्स ऐसे हैं जहां पर क्वेश्चन जनरेट किए जा सकते हैं तो हमारा दूसरा विषय रहेगा कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इश्यूज और इसी कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इश्यूज के अंतर्गत मैं आपके साथ एक पार्ट और शेयर करूंगा जो कि यूपीएससी का एक फेवरेट एरिया है वेलफेयर स्कीम्स वेलफेयर स्कीम्स प्लस पब्लिक पॉलिसी लोकनीतियां पब्लिक पॉलिसी नोकनीतियां तो ये हमारा थर्ड टॉपिक रहेगा और मैं इसी क्रम में आपके साथ चीजें जरूर शेयर करूंगा नंबर uh, फोर्थ जिन टॉपिक्स को मैं शेयर करूंगा जिस क्रम में फोर्थ वुड बी साइंस टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इश्यू uh, पिछले चार महीने से तो आप कई सारी लाइफ साइंसेस और मेडिकल साइंसेस के विषयों को पढ़ रहे होंगे तो वहां से क्वेश्चन बनने की बहुत उम्मीद है तो साइंस और टेक्नोलॉजी के इश्यूज देखेंगे इसमें स्पेस साइंस के डेवलपमेंट लाइफ साइंस के डेवलपमेंट केमिकल साइंस के नव डेवलपमेंट भारत का स्वयं का नवाचार या इनोवेशन भारत के स्वयं के अनुसंधान उनसे जुड़े हुए जितने प्रकार के नए नए डेवलपमेंट्स हुए हैं उन सबको बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं ये करंट अफेयर्स की क्लासेस सूचनाओं का भंडार नहीं होंगी अगर आपको यह लग रहा है कि यह केवल और केवल मैगजीन्स uh, को वाचने का, का काम होगा या फिर केवल अखबारों की कटिंग्स पढ़ी जाएगी दैट्स नॉट गोइंग टू बी द केस ये नहीं होने वाला होगा क्या किस तरीके से चीजें पढ़ेंगे और किस तरीके से क्वेश्चंस को इमेजिन करेंगे ताकि हमारी प्रिपरेशन शार्प हो सके उसको मैं भी आपके साथ एक, एक एग्जाम्पल के थ्रू कोशिश भी करूंगा समझाने की हमारा जो फिफ्थ एरिया रहेगा स्टूडेंट वो इकोलॉजी एनवायरमेंट और कुछ भौगोलिक क्षेत्र जो चर्चा में रहे जियोग्राफिकल प्लेसेस इन न्यूज कुछ भौगोलिक क्षेत्र फिर जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो आ, जंगलों में जो आग लगी थी आ, उनसे संबंधित कोई जियोग्राफिकल प्लेस के बारे में अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए जैसे पिन पॉइंट करके पूछ सकते हैं महाराष्ट्र की जो लोनार लेक है उससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कई सारे इवेंट कई सारे भौगोलिक क्षेत्र कई सारे अभ्यारण्य कई सारे वाइल्ड लाइफ जो रेगुलर इंटरवल पे चर्चा पे आते रहे हैं उनको पिक करने की कोशिश करेंगे और उनसे संबंधित जो कोरिलेटिव इंफॉर्मेशन होगी सह संबंधित इंफॉर्मेशन होगी उन्हें हम टटोलने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे बारीकी से नोट्स प्रिपेयर हो जाएं और हम शायद बेटर प्रिपेयर हो जाएं एग्जाम के लिए तो इकोलॉजी इन्वायरमेंट और जियोग्राफिकल प्लेसेस इन न्यूज ये जियोग्राफिकल प्लेसेस इंडिया सेंट्रिक भी रहेंगी वर्ल्ड सेंट्रिक भी रहेंगी स्टूडेंट इसके बाद जो सिक्स टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसके अंतर्गत हम आर्ट एंड कल्चर के विषय देख लेंगे आर्ट एंड कल्चर के विषय के साथ साथ जो भारत में बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उनकी चर्चा करेंगे जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनकी चर्चा करेंगे इतिहास के कुछ कुछ घटनाक्रम हैं उनकी चर्चा करेंगे तो इन सबसे जुड़े हुए इन इवेंट से जुड़े हुए चीजों को एकत्रित कर लेंगे ताकि आर्ट एंड कल्चर के और हिस्ट्री के जो कुछ क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं करंट अफेयर्स में उनको हम थोड़ा सा डील कर सके तो ये हमारा सिक्स एरिया रहेगा जिस पर हम फोकस करने की कोशिश करेंगे सेवेंथ पार्ट इंटरनेशनल रिलेशंस समिट्स यानी कि शिखर वार्ता प्लस संधियां अंतर्राष्ट्रीय संधियां साल भर बहुत सारे बाइलेट्रल द्विपक्षीय और मल्टीलेट्रल बहुस्तरीय मीटिंग्स होती रहती हैं राष्ट्र अध्यक्षों का मेल मिलाप होता रहता है और शिखर वार्ताएं होती रहती हैं शिखर वार्ताओं में बहुत सारे नए प्रकार के इवेंट्स सामने आ जाते हैं उन सब पर हम एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेंगे तो इंटरनेशनल रिलेशंस के इश्यूज भी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये केवल मेन सेंट्रिक नहीं है प्री के लिए भी बहुत जरूरी है तो हम इन पे भी एक आ, काफी अच्छी एक विस्तार में चर्चा करने की कोशिश करेंगे प्राइम मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट जिन कंट्रीज में विजिट किए हैं वो आपके मैपिंग के क्वेश्चन का स्तर बना सकते हैं तो उन पर हम थोड़ा सा एक डिस्कशन कर लेंगे और जो एक आखिरी पार्ट रहेगा स्टूडेंट अंत में वो अन्य विविध प्रकार के विषय दिम्मे टॉपिक्स जो अन्य विविध प्रकार के विषय रहेंगे जैसे कि पी की कोई डेवलपमेंट आ, बहुत सारे इंडेक्स बहुत सारे सूचकांक बहुत सारी रिपोर्ट्स हालांकि इन टॉपिक्स को पढ़ाने के दौरान ही मैं बहुत सारी रिपोर्ट्स कवर कर लूंगा अगर कुछ बच जाएगा तो मैं यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूंगा स्टूडेंट ये आठों मेरे एरिया हैं जिन पर मैं आपके साथ क्लासेस शेयर करूंगा तो फेस वन में आप उम्मीद लगा सकते हैं कि करीबन 30-35 क्लास का ये एजेंडा हो जाएगा और फिर इसी आठों क्रम यानी कि इसी क्रोनोलॉजी में इसी क्रम में मैं आपके साथ फेज टू को शेयर करूंगा तो तीन महीने का जो बकाया हमारा इश्यूज रहेगा अप्रैल मई जून उनमें मैं इन आठ विश्यूज पे अलग अलग करके क्लास लूंगा तो वहां पर आप मान सकते हैं करीबन दस से बारह क्लासेस तो आप इमेजिन कर लीजिए कि करीबन फोर्टी फाइव क्लास का एजेंडा है और इन फोर्टी फाइव क्लासेस में हम वो सारे विषय देख लेने की कोशिश करेंगे जो कि एग्जाम के लिए जरूरी है अब स्टूडेंट चीजों को आगे बढ़ाने से पहले मेरी सबसे पहले तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरी क्लासेस को हालांकि सब में करना चाहिए लेकिन एटलीस्ट मेरी क्लासेस को आप नेटफ्लिक्स या अमेजॉन की तरह एक लेजर वॉचिंग मत करें कि बेड पे बैठ के सोफे पे बैठ के आप देख रहे हैं और बिना नोट्स बिना नोट्स बनाए बिना पेन कॉपी पेंसिल का इस्तेमाल किए आप बस सुनते चले तो उनसे कुछ नहीं होगा अगर आप केवल सुनने के लिए या अच्छी सुखद अनुभूति के लिए ये चीजें सुन रहे हैं तो इससे आपका कोई लाभ नहीं होगा उससे बेटर है कि आप नेटफ्लिक्स और अमेजॉन देखिए इन क्लासेस को छोड़ दीजिए आप मेरे साथ वीडियो अगर देख रहे हैं अपना रजिस्टर को अपनी स्टडी टेबल के सामने रखिए मैं जो चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूं बोर्ड पे जो लिख रहा हूं उन्हें नोट करिए कुछ डेफिनेशन अगर बता रहा हूं तो उन्हें लिखिए बीच बीच में वीडियो पॉज कर लीजिए एक बार फिर लिख लीजिए क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि एक बार फिर से सुन लिया जाए तो इस तरीके से बहुत अटेंटिव रहिए अगर आप अटेंटिव नहीं रहेंगे इन क्लासेस का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा आ, और देखिए एक ह्यूमन नेचर है आपने देखा होगा कि हम लोग वीडियो कैसे देखते हैं वीडियो देखते वक्त कंसंट्रेशन नहीं बनता है अनलेस कि वो कोई बहुत एक्साइटिंग नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज हो वीडियो देखते वक्त कंसंट्रेशन नहीं बनता है बार बार स्क्रॉल करके आप चीजें देख रहे हैं नहीं ये मत करिए अगर आप ये करेंगे तो आपको कोई एकेडमिक फायदा नहीं मिलने वाला है तो कोशिश करिए कि एक पूरे क्रम में एक फिक्स टाइम पे पढ़िए ऐसा नहीं कि दोपहर में आपने या फिर जब आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा आपने उस समय अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी आधे घंटे देखा फिर आधे घंटे देखा इससे बिल्कुल हेल्प नहीं मिलेगी एक पूरी क्लास एक पूरा लेक्चर एक सेटिंग में पूरा देखिए नोट्स बनाइए भले चाहे कितना भी टाइम लग जाए तब जाके शायद ये उम्मीद की जा सकती है कि आपको क्लासेस का बेनिफिट मिलेगा आ, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट अब मैं एक पक्ष की और चर्चा कर लेता हूं देखिए Uh, मैं एक चीज नहीं करना चाहूंगा कि मैं पिछले तीन साल के पेपर आपके साथ डिस्कस करूं वो पेपर तो हो चुके और उन पेपर के आधार पर अगर आप 2020 का ट्रेंड प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो पूरी तरीके से विफल होने वाले हैं क्योंकि कोई ट्रेंड नहीं है ट्रेंड कोई नहीं है किसी भी एरिया से नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ सकते हैं डिफिकल्टी लेवल बढ़ सकती है घट सकती है आप कितने वेल प्रिपेयर्ड हैं वो ज्यादा मैटर करता है तो आप वेल well प्रिपेयर्ड कैसे होंगे तो उसके लिए एक बहुत जरूरी चीज है आप इस चीज को समझ लीजिए कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन क्यों के ना केवल करंट अफेयर्स आपके जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स भी हैं उनके क्वेश्चन की प्रकृति क्या है यूपीएससी की प्रिलिम्स की परीक्षा में नेचर ऑफ करंट अफेयर्स क्वेश्चन यह आपके लिए ज्यादा जरूरी है और लोग करते क्या है पिछले दस साल का पेपर का अकाउंट उठा के देख लेते हैं कि पॉलिटिक्स इतने पूछा गया इकोनॉमिक्स इतने पूछा गया ज्योग्राफी से इतने पूछा गया एक काम करते हैं इस एरिया के ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से शिफ्ट मार के दूसरी तरफ चले जाते हैं आज इस इस, इस बार इस टॉपिक से ज्यादा पूछेगा तो वो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा वो मत करिए करंट अफेयर्स का तह समुद्र है उसमें डुबकी लगाने से पहले आप ये तय कर लीजिए कि आपको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है कितनी आपकी क्षमता है और कितना एग्जाम के लिए जरूरी है और कौन सी सूचनाओं को दरकिनार करना है और कौन सी चीजों को ग्रैब करके इमेजिन करना है कि क्वेश्चन बन सकता है तो मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहा हूं अपनी चीजें अपना नोटबुक वगैरह निकाल के रख लीजिए और वन बाय वन करके देखते हैं तो स्टूडेंट मैं एक टॉपिक को सामने रख लेता हूं कोविड नाइन्टीन वन कैन इजीली इमेजिन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इतना हीटेड विषय डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अब अगला विषय यह है क्या आपने इस टॉपिक की संगठित पढ़ाई करी है कि नहीं करी है संगठित पढ़ाई करने का मतलब क्या है इस टॉपिक से रिलेटेड कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और यह आपको कोई मैगजीन्स हेल्प नहीं करेगी ये तो आपको खुद ही करना पड़ेगा अलग अलग मैगजीन्स को अलग अलग पॉइंट्स को अलग अलग एडिटोरियल्स को एकत्रित कर कर एक, एक संगठित नोट्स बनाने पड़ेंगे यह है एक रियल प्रिपरेशन तो कोविड 19 से रिलेटेड Uh, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपने इमेजिन किया क्या उसमें लाइफ साइंस का कोई क्वेश्चन बन सकता है उसमें इकोनॉमी के क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं हमारा पूरा uh, पांच दिन का जो एक गाला इवेंट हुआ फाइनेंस uh, मिनिस्टर का जिसमें उन्होंने ऑलमोस्ट uh, पांच दिन बजट पड़ा uh, आत्मनिर्भर भारत अभियान उसमें बहुत सारी चीजें थी जहां से क्वेश्चन बनाया जा सकता है uh, लेकिन अगर हम केवल uh, विज्ञान के दृष्टिकोण से बात करें तो आपने इन चीजों को प्रिपेयर किया है कि नहीं कि कोरोना वायरस से रिलेटेड उस डिसीज से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनाया जा सकता है और जिस दिन आप इस क्षमता के धनी हो गए कि आप इमेजिन करने लगे कि इससे जुड़ी हुई अंतर संबंधित जानकारियां कौन कौन सी हैं तो उस दिन आपकी प्रिपरेशन का लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा मैं आपको थोड़ा उस पर और हेल्प करूंगा स्टूडेंट एक चीज याद रखो यूपीएससी हमेशा जिस तरीके के क्वेश्चन पूछता है उसमें एक ही पार्ट है इन दो चीजों को समझिए अंग्रेजी में एक दो शब्द होते हैं इम्प्लेसिट और एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिट मतलब प्रत्यक्ष जो दिख रहा है इम्लिसिट मतलब अप्रत्यक्ष दिख नहीं रहा है जो जानकारियां आपको अखबारों में आती हैं जो सूचनाएं है, आपको मैगजीन में मिलती है वो एक्सप्लिसिट इंफॉर्मेशन है और इस एक्सप्लिसिट इंफॉर्मेशन के बेस पर आप उन जानकारियों को सर्च करें उन जानकारियों को इंटीग्रेट करें एकीकृत करें जो कि इंप्लेसिड हैं यानी कि जो इस विषय से अंतर संबंधित है हमेशा याद रखिए स्टूडेंट किसी एक विषय को पढ़कर उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के अंतर संबंधित टॉपिक्स को जब तक आप आप प्रिपेयर नहीं करेंगे एग्जाम को क्लियर करने की शायद बहुत अच्छी एबिलिटीज डेवलप नहीं कर पाएंगे आ, अब ये करना कैसे सिंपल सी बात है कोविड नाइनटीन एक एक्सप्लेट जानकारी है कि हाँ भाई कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है डेली अखबारों में बहुत सारे आर्टिकल्स उस पर आते हैं और उस एक्सप्लिसिट चीजों को पढ़कर हमें इमेजिन करना है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और हमें एक ही जगह पर चाहे चार पांच पेज या तीबन दस पंद्रह पेज के नोट्स बन जाए डरिए मत एक ही जगह पर हमें सारी चीजें एकत्रित करके रख लेनी है ताकि हमारी प्रिपेरेशन अच्छी हो जाए उस एरिया से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो हम चीजों को हैंडल कर सकें तो ये करेंगे कैसे इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए फिर हम चीजों को आगे बढ़ाते चलिए अब एक तरीके से आपकी प्रिपरेशन ही स्टार्ट हो रही है आज पहली क्लास है थोड़ा सा आपको भी अजीब लगेगा थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन बनाने में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको मेरी आदत पड़ जाएगी आई होप आपको मेरी आदत पड़ जानी चाहिए आ... चलिए क्या क्या क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं तो कोविड नाइनटीन से जुड़े हुए जो अनेक प्रकार के क्वेश्चन हैं, उनमें एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है नंबर ए एक क्वेश्चन बिल्कुल तैयार किया जा सकता है एनाटॉमी ऑफ वायरस सेल जो वायरस सेल है उसकी एनाटॉमी या उसका उसकी आंतरिक संरचना उसका स्ट्रक्चर लाइफ साइंस का जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है उसके बारे में चीजें बनाई जा सकती हैं तो स्टूडेंट वायरस की पहली खासियत यह स्वयं खुद रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता वायरस की पहली खासियत इसकी एनाटॉमी जब हम पढ़ते हैं तो पहली चीज जो सामने आती है इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस बाय इट अपने द्वारा स्वयं रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता है इसलिए वायरस को मारना मुश्किल होता है आप उसके असर को कम कर सकते हैं रोक कर सकते हैं उसे थोड़ा कम कर सकते हैं उसके असर को लिमिटेड कर सकते हैं लेकिन जड़ से नहीं मिटा सकते तो जो वायरस है कैन नॉट रिप्रोड्यूस बाई इट अब एक अगली चीज है कि अगर वो खुद रिप्रोड्यूस नहीं होता है तो वो म्यूटेट किस तरीके से होता है शरीर में उसका एक सीधा कारण है स्टूडेंट वायरस का खुद का एक पार्टिकल होता है वीरियन, जो वायरस है वायरस के होस्ट सेल में उस होस सेल में खुद का एक पार्टिकल होता है वीरयन अब ये जो वीरयोन होता है इस वीर की पूरी सतह जो होती है एक प्रोटीन की एक सतह होती है जैसी मैं बात प्रोटीन की करूंगा इसका सीधा सा मतलब यह है कि बेसिकली इसके जो न्यूक्लियक एसिड होते हैं उसका जो प्रोटीन होता है जैसे उसकी सतह को जिसे हम कैप्सिड कहते हैं यह वीरियन क्या करता है यह वीरियन एटमोस्फियर में या किसी दूसरे होस्ट सेल को अटैक करता है और दूसरे होस्ट सेल्स के आरएनए और डीएनए को मिलाकर म्यूटेट हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है तो काम वायरस नहीं करता है काम करता है म्यूटेट होने के लिए जो वायरस की एक पार्टिकल होते हैं वीरियॉन जिनकी एक प्रोटीन की एक लेयर होती है पूरी एक कवच होती है जिसे आप कैप्सड कहते हैं यही जो कैप्सट होता है यही जो वीर की एक खासियत है कि यह जो एक पार्टिकल है वायरस का ये मदद करता है वायरस को म्यूटेट होने में मल्टीप्लाई होने में दूसरे होस्ट सेल में जाता है और वहां पर जाके ये जो वीर है अपना असर छोड़ता है और दूसरे होस्ट सेल के साथ मिलकर म्यूटेट होने की कोशिश करता है और अब आप सोच लीजिए कि एक इतना एक सूक्ष्म जीव तो नहीं कहूंगा इसको जीव नहीं कहना चाहिए लेकिन एक इतनी सूक्ष्म चीज और वो इतनी खतरनाक बन गई क्योंकि यहां पे जो वीरियन है ये बेसिकली हमारे शरीर में घुसकर हमारे लंग्स के जो सेल्स हैं उन पर बहुत तेजी से म्यूटेट हो रहा है और इसकी वजह से कोरोना वायरस एक बहुत बड़ी एक लीथल डिसीज बन गई है तो एक पहला क्वेश्चन जो बनाया जा सकता है स्टूडेंट वो है एनाटोमी ऑफ वायरस सेल दे के नॉट रिप्रोड्यूस बाय इट सेल्फ हैव अ पार्टिकल कॉल्ड वीरियन, विच हैव अ प्रोटीन लेयर कॉल्ड एस कैप्सिड और ये अपना असर ज्यादा दिखाते हैं आगे बढ़ते हैं एक दूसरा एरिया जिस पर क्वेश्चन बनाया जा सकता है डेफिनेटली अब मैं बहुत विस्तार में आपको इस चीजें बता रहा हूं हालांकि इस पर मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेस में और थोड़ा और चीजें ऐड भी करूंगा अभी आपको केवल यह समझाने के लिए कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का नेचर क्या होता है एक टॉपिक को कैसे पढ़ना चाहिए और इसी तरीके से हम पढ़ेंगे और इसी तरह से आपकी आदत भी डल जानी चाहिए तो एक दूसरी बात बैक्टीरिया और वायरस के बीच का जो एक फंडामेंटल डिफरेंस है उस पर एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है स्टूडेंट जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म ही हैं। दे आर स्मॉल ये सिंगल सेल हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म है और क्योंकि ये सिंगल सेल है और लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसलिए बैक्टीरिया को मारने के लिए जो एंटीबैक्टीरियल या फिर एंटीबायोटिक जो दवाएं होती हैं वो काफी असरदार करती हैं असरदार दवा होती हैं काफी इंपैक्टफुल होती हैं क्यों क्योंकि बैक्टीरिया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और जब से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन डेवलप की है तब से लेकर अब तक कई प्रकार की एंटीबायोटिक्स आ चुकी हैं और ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये बेसिकली बैक्टीरिया को मारने में एक निर्णायक भूमिका निभाती हैं हालांकि आपने ये भी सुना होगा बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स के प्रयोग की वजह से अब हमारे शरीर भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते चले जा रहे हैं जो कि नई बीमारियों को जन्म दे रहे हैं जबकि स्टूडेंट वायरस से संबंधित जो दवा होती है यानी कि जो एंटीवायरल है इनकी क्या खासियत होती है जैसा कि मैंने पहले ही बताया वायरस अपना खुद तो रिप्रोड्यूस होता नहीं है इसे मारना भी बहुत मुश्किल है दूसरा यह होस्ट सेल में जाकर म्यूटेट हो जाता है। किसी दूसरे होस्ट सेल में जाके म्यूटेट हो जाता है तो इसलिए यह जो एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं यह वायरस को जड़ से नहीं मिटा पाती ये केवल उसके असर को उसके नेगेटिव इंपैक्ट को कम करती हैं और अब तक कोविड से रिलेटेड जितनी भी मेडिसिन आपको सामने आई हैं वो फुल प्रूफ तो है नहीं तो पहले कभी किसी और दवा के लिए इंपैक्टफुल रही होंगी असर असरदायक रही होंगी उनका इस्तेमाल किया जरूर जा रहा है केवल एक्सपेरिमेंट जरूर किए जा रहे हैं लेकिन एक फुल प्रूफ एंटीवायरल दवा नहीं बन पा रही अब दवा क्यों नहीं बन पा रही है क्योंकि उसका मेन कारण क्या है वायरस की जो एनाटॉमी है वो ये कहती है दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस वो तो भैया दूसरे होस्ट सेल में जाके प्रवेश करके उनका जो पार्टिकल है वायरस का वीरियन वो आतंक बचाता है So, ये हमारा एक लेवल जरूर होना चाहिए पढ़ने का जहां से हम अपनी प्रिपरेशन को और शार्प कर सकते हैं अभी रुकेंगे नहीं सो so, बहुत सारी चीजें मैं शेयर कर लेता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि पढ़ने के स्तर को हम कहां ले जाएंगे आ, एक और एरिया जहां पे क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट प्रिलिम्स की परीक्षा में जो वायरस है उसके वर्गीकरण वायरस है उसका जो क्लासिफिकेशन है उससे संबंधित कोई क्वेश्चन बनाया जा तो वायरस के जो क्लासिफिकेशन है जैसे कि नंबर वन एक जो बुखार या फिर कॉमन कोल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सर्दी खांसी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है राइनोवायरस तो एक वायरस का क्लासिफिकेशन राइनोवायरस ये इस पर कोई क्वेश्चन बनाया जा सकता है पूछा जा सकता है टेक्निकल डिटेल्स अभी नहीं बाद में जरूर शेयर करूंगा मैं आपको केवल एक ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं कि कैसे चीजों को हैंडल करना है राइनोवायरस और ये नोट्स में आते चले जाना चाहिए नंबर टू हेपेटाइटिस वायरस अब हेपेटाइटिस जो वायरस है टाइप ए बी सी डी ई उनसे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है उनसे जुड़ी हुई किसी दवाई के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है लाइफ साइंस के बड़े विषय है क्वेश्चन क्यों नहीं पूछे जा सकते है? और ये तो तीन चार महीने से बहुत न्यूज में है सारी चीजें साथ ही साथ चर्म रोग से संबंधित स्किन इन्फेक्शन से संबंधित कोई वायरस जिस पर एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है फॉर एग्जाम्पल जो सबसे कॉमन स्किन इन्फेक्शन से जुड़ा हुआ वायरस जिसे हर्पीस वायरस कहते हैं जो कि कई प्रकार के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उन पर एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है अब स्किन इंफेक्शन से जुड़ी हुई चीजें हैं तो खसरा स्मॉल पॉक्स मीजल्स रूबेला इत्यादि इत्यादि ये स्किन इन्फेक्शन के जो वायरस होते हैं उनके बारे में कोई क्वेश्चन जेनरेट किया जा सकता है एक और चीज स्टूडेंट जो वायरस हमारी इंटेस्टाइन्स में हमारी आंतों में कोई पहुंच जाते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो गैस्ट्रो वायरस के बारे में कोई क्वेश्चन बनाया जा सकता है और जो सबसे कॉमन गेस्ट्रो एंटाइटिस वायरस है आपने साइंस में पढ़ा भी होगा नॉर्मली रोटावायरस आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा रोटा वायरस और आपने यह भी पढ़ा होगा कि उसके लिए वैक्सीन है रोटावैक रोटा वैक्सीन रोटावैक जिसे आ, आ, इंडियन एजेंसीज डेवलप कर चुकी हैं और यहां पर कोई क्वेश्चन बनाया जा सकता है तो गैस्ट्रो वायरस से संबंधित एक क्वेश्चन जेनरेट होना संभावित है हमारी प्रिपरेशन भी उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए साथ ही साथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज वायरस एसटीडी वायरस और दो सबसे आ, कॉमन एस्टडी वायरस ऑफकोर्स एच आई वी और एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ह्यूमन इम्यूनोडेफिशियंसी वायरस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एच आई वी एड्स का कारक एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से महिलाओं को खास करके महिलाओं को सर्विक्स के जो कैंसर होते हैं सर उसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं जो आ, सर्विक्स के कैंसर है यूट्रस के जो कैंसर है उसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से ये इस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का एक बहुत बड़ा असर दक्षिण अमेरिका में बहुत देखा गया और ये साल भर बहुत चर्चा में रहा है तो मेरा आप लोगों से लेसन या मेरा आप लोगों को मैसेज यह है कि जब आप केवल और केवल कोविड नाइनटीन के बारे में पढ़ रहे हैं तो वायरस की पूरी फैमिली के बारे में पढ़ें उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये जरूरी थोड़ी ना है यह भी मत सोचिए कि कोविड नाइनटीन पे हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन बनेगा हो सकता है उसकी फैमिली से रिलेटेड ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से क्वेश्चन पूछा जाए इसलिए मैं कह रहा हूं जो प्रत्यक्ष है उसे जरूर पढ़ो लेकिन अप्रत्यक्ष जानकारी को एकत्रित करो अगर आप यह कर रहे हो वेल एंड गुड अगर आप ये नहीं कर रहे हो फिर आप एग्जाम देते रहो और ये इस चीज को समझ लीजिए ये बाकी परीक्षाओं की तरह एग्जाम नहीं है बाकी परीक्षाओं में क्या पूछा जाएगा स्टूडेंट बस कोविड नाइनटीन आपके कुछ क्लरिकल परीक्षा बैंक की परीक्षा इवन एस नॉर्मल जो आपके एग्जाम्स हैं लेकिन यूपीएससी का स्तर बेसिकली प्रम्स की परीक्षा में नॉन सीरियस कैंडिडेट को बाहर करना है और सीरियस कैंडिडेट को मेंस के लिए आमंत्रित करना है तो वो करेंगे क्या आपके ह्यूमन पैपिलोमा वायरस पे क्वेश्चन पूछ लेंगे इंस्टेड ऑफ कोविड 19 तो ये आपका एक स्तर जरूर होना चाहिए पढ़ने के लिए हम एक चीज के लिए और बात करेंगे जब हम कोविड 19 की ही बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट यह जो कोरोना वायरस डिसीज है या फिर जो कोरोना वायरस है यह बेसिकली एक निमोनिया का वायरस है यह एक निमोनिया का वायरस है।, है और निमोनिया के जो वायरस होते हैं बेसिकली आपके इन्फ्लुएंजा टाइप ए और टाइप बी ये आपने बहुत पढ़ा होगा ये तो आपने एनसीआरटी की एनसीआरटी की ग्यारहवीं कक्षा की एक किताब है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भारतीय आर्थिक विकास इलेवेंथ क्लास की एनसीआरटी है उसको पढ़िएगा वो बताए कि 1919 का जो एक भयावह इन्फ्लुएंजा फैला था लाखों लोगों की जिसमें मौत हुई थी उसके बारे में विस्तार में चर्चा है तो इन्फ्लुएंजा टाइप ए टाइप बी इन्फ्लुएंजा वायरस साथ ही साथ सार्स, आपने कोविड नाइन्टीन को इसी तरीके से पढ़ा होगा इसी तरीके से अखबारों में देख रहे हैं सिवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी जो भी प्रॉब्लम लंग्स रिलेटेड है यानी कि निमोनिया तो सिवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यह 2002 में आया था तो पहला पार्ट था अभी 2019 में आया है इसलिए दूसरा पार्ट है नाम है सिवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस पार्ट टू तो कोरोना वायरस जो पार्ट वन था वो दो में था चाइना में ही इसी के साथ साथ जब 2012 में सऊदी अरेबिया में जो फैला था मर्स मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम तो ये जो निमोनिया के कारक हैं उन्हीं के वायरस में से एक ये कोविड 19 है या फिर सार्स कोव 2 है तो हो सकता है यूपीएससी निमोनिया से जुड़े हुए जो कारक हैं वायरस हैं उनके बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन बहुत इफेक्टिवली आपसे पूछ लिया फिर आप ये कंप्लेन मत करना कि ये मैंने चीजें पढ़ी नहीं ये चीजें मैंने ऑब्जर्व नहीं करी इसी के बीच जो मैं पिछले तीन साल से क्लासेस में शेयर करते चला आया हूं जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है जो वायरस वो है फ्लेवी वायरस फ्लेवी वायरस तो फ्लैवी वायरस कौन से रोगों का कारक है डेंगू एंसेफिलाइटस डेंगू हुआ एंसेफेलाइटिस हुआ और साउथ अमेरिका में जिसने एक प्रॉब्लम क्रिएट की थी 2016-17 में जीका जीका के ही वजह से जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, उनको वो ज्यादा इम्पैक्ट करता है और जो गर्भवती महिलाएं हैं जब उनको उनके बच्चे पैदा होते हैं तो वो माइक्रोसेफली से प्रभावित रहते हैं माइक्रोसेफली मतलब मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाता तो माइक्रो मतलब सूक्ष्म बहुत छोटा डेवलप नहीं हो पाता तो ये तीनों जो वायरस हैं ये तीनों जो रोग हैं डेंगू इंसेफलाइटिस जी ये सब फ्लैवी वायरस फैमिली को बिलोंग करते हैं वैक्टरबॉन है आ, और इन पर रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पहले भी उम्मीद रही हालांकि पहले नहीं पूछा गया है लेकिन इस साल वायरस से रिलेटेड वायरस के क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जनरेट की जा सकती है तो हु नोस कौन जानता है शायद इसके बारे में पूछा जा सके तो यह मुझे प्रिपेयर करना चाहिए और ऐसा नहीं एक स्टूडेंट कि इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको जब तक आपको कोई चीजें देगा नहीं लिखवाएगा नहीं समझाएगा नहीं तब तक आप कर नहीं पाएंगे यू कैन डेफिनेटली डू इट ऑन योर ओन आप अपने आप भी कर सकते हो इंटरेस्ट होना चाहिए पढ़ने का सर्च करने का चीजों को देखने का आप गूगल पे एक चीज सर्च करोगे दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी आपको तो प्रिपेयर करने की इस तरीके से आदत डालिए और डेफिनेटली जो एक चीज और चर्चा में रही है पिछले दो तीन सालों में वो है एबोला वायरस तो स्टूडेंट एबोला वायरस जो कि इस नाम से भी जाना जाता है इस पर तो यूपीएससी 2016 में आई गेस क्वेश्चन भी पूछ चुका है इसने पश्चिम अफ्रीका में फैला था ये और केवल देशों के नाम इतना सरल क्वेश्चन पूछा था केवल देशों के नाम पूछे थे तो बेसिकली वेस्ट अफ्रीकन एपिडेमिक कहा जाता है एक महामारी जो कि एक स्पेसिफिक एरिया में है एक स्थानीय क्षेत्र में है तो एपिडेमिक कहते हैं उसको तो वेस्ट अफ्रीकन एपिडेमिक जो कि गिनी सियारा लियोन और लाइबेरिया में फैला था तो इस पर एक क्वेश्चन पूछा गया था और अभी जो एबोला वायरस फैला हुआ है स्टूडेंट मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं अभी ऐसा कौन सा देश है जहां पर इबोला वायरस फैला हुआ है अभी सियारा लियोन लाइबेरिया नहीं है गिनी नहीं है अभी जिस देश में एक इबोला वायरस फैला हुआ है वो है कांगो कांगो रिपब्लिक तो कांगो रिपब्लिक में अभी इबोला वायरस चर्चा में है तो इस तरीके से क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा मैं क्यों केवल और केवल कोरोना वायरस और उसकी फैमिली के बारे में पढ़ के जाऊं मेरे को पूरा का पूरा वायरस का क्लासिफिकेशन पढ़ना है तब मेरी प्रिपरेशन बहुत इफेक्टिव होगी आ, नहीं तो फिर आप कंप्लेन करते चले जाओगे कि साल हम छह महीने से कोविड कोविड पढ़ रहे थे पूछ लिया फ्लैवी वायरस तो वो होना नहीं चाहिए पढ़ना आपको यहीं से पड़ेगा चलिए स्टूडेंट मैं एक एरिया की और बात करता हूं मैं जरा अपनी बात को थोड़ा स्पष्ट कर दूं मैं अपनी बात को प्रभावकारी तरीके से आपके सामने रखना चाहता हूं कि करंट अफेयर्स का मतलब यह बिल्कुल नहीं होता है कि आप केवल न्यूज पढ़ लें एडिटोरियल इकट्ठे कर लें आपको उससे संबंधित जो ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन है वो आपको इकट्ठी करनी पड़ेगी चलिए आपको नाइन्थ और टेंथ क्लास की साइंस की तरफ ले जाते हैं एक और एरिया जहां से क्वेश्चन बनाया जा सकता है आई वी गैस फोर्थ पार्ट होगा आ, एक और एरिया जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और सबसे प्रबल संभावना है हमारा इम्यून सिस्टम अभी आप देख रहे होंगे शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां पर अब अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए लोग विटामिन सी ना ले रहे हो कोई विटामिन सी की गोलियां खा रहा है कोई आयुर्वेद का इलाज कर रहा है कोई गुड़ की चाय पी रहा है ऐसे कई तरीके के नुस्खे अपनाए जा रहे होंगे वो नुस्खे क्यों अपनाए जा रहे हैं क्योंकि यू कैन नॉट किल वायरस आप वायरस को मार तो सकते नहीं है आप वायरस के असर को केवल और केवल कम कर सकते हैं तो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर जनरेट किया जा सकता है और ये हमने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई में जरूर पढ़ा है एनसीईआरटी में जरूर पढ़ा है तो क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट इम्यून सिस्टम अब इम्यून सिस्टम जो हमारा है वो दो भाग में डिवाइड किया जा सकता है एक तो ऑफकोर्स प्राकृतिक इन नेट मतलब नेचुरल प्राकृतिक और दूसरा वन कैन बी इन प्राकृतिक और दूसरा अडेप्टिव तो स्टूडेंट अब ये जो हमारा इनेट इम्यून सिस्टम है इनेट इम्यून सिस्टम के बारे में जो क्वेश्चन जनरेट होंगे तो डेफिनेटली जब हम इनेट इम्यून सिस्टम की बात करेंगे तो हम वाइट ब्लड सेल्स की बात करेंगे हम वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स की बात करेंगे अब स्टूडेंट अगर शरीर में कहीं घाव हो जाए कोई चोट लग जाए सूजन आ जाए तो सूजन जो आ जाती है वो इस बात का संकेत भी है कि हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो वाइट ब्लड सेल्स बहुत तेजी से जाकर उस जगह पर जहां चोट लगी है घाव हुआ है या किसी वायरस का अटैक हुआ है वहां पर डब्ल्यू अपना काम चालू कर देते हैं लेकिन डब्ल्यू सोते रहते हैं डब्ल्यू को काम चालू करने के लिए उनकी मदद करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है वो है साइटोकाइंस अब ये साइटोकाइंस क्या होते हैं साइटोकाइंस दो शब्दों से मिलके बना बनाए साइटो तो समझते होंगे ना साइटो मतलब कोशिका सेल और काइन का मतलब होता है मूवमेंट चलना तो साइटोकाइंस बेसिकली स्टूडेंट संदेशवाहक होते हैं मैं इससे सरल शब्दावली का इस्तेमाल नहीं कर सकता इसको यह भी कहते हैं अंग्रेजी में सेल स्टमलेटर सेल स्ट्यूमुलेटर साइटोकाइंस थोड़ा ध्यान दीजिएगा इन चीजों पे और नोट्स बनाते रहिए अदरवाइज सब छूट जाएगा ये सारी चीजें इन इट प्राकृतिक तो आपका जो इम्यून सिस्टम है मेरा जो इम्यून सिस्टम है अपॉन डब्ल्यू बी सी एक्टिव हो सके इसके लिए काम करना होगा साइटोकाइंस को साइटोकाइंस बोलेंगे कि देखो भाई वहां वायरस का अटैक हुआ जाओ जाके उसे हैंडल करो अब जो कोरोना वायरस होता है स्टूडेंट वो करता क्या है कोरोना वायरस हमारे जो शरीर में जो होस्ट सेल है उनमें एंटर करता है और इन साइटोकाइंस की बाढ़ ला देता है आई रिपीट ये साइटोकाइंस की बाढ़ ला लेता है जो कोरोना है ये बहुत बड़ी मात्रा में जो साइटोकाइंस है उनका तूफान ला देता है साइटोकाइंस स्टॉम्प बोलते हैं अब स्टूडेंट अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा इम्यून सेल हो जाएंगे तो आपने तो कैंसर की एनाटॉमी थोड़ी बहुत पढ़ी भी होगी इसके लिए आपको कोई ऑंकोलॉजिस्ट या कैंसर एक्सपर्ट एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है आपको इतना पता ही होगा कि बहुत ज्यादा सेल अगर म्यूटेट हो जाएंगे तो प्रॉब्लम तो क्रिएट करेंगे तो होता क्या स्टूडेंट कोरोना क्या होते हैं ये साइटोकाइंस का स्टॉर्म ले आते हैं और ये जो साइटोकाइंस की बहुत बड़ी मात्रा में बहुत ज्यादा इम्यून सेल आ गए ये जाके हमारे लंग्स में जाके चिपक जाते हैं अब सीधी सी बात है अगर बहुत बड़ी मात्रा में इम्यून सेल अगर लंग्स में जाके चिपक जाएंगे तो आपको ये तो पता ही होगा कि हम लोग खांसते क्यों हैं हम लोग खांसते इसलिए हैं क्योंकि हमारा जो लंग्स है वो एक मैसेज देता है कि आपके शरीर में कुछ ऐसे फॉरेन पार्टिकल आ गए हैं कुछ ऐसे घुसपैठिए आ गए हैं जिन्हें शरीर से भगाना जरूरी है इसलिए भी काफ इसलिए हम खांसते हैं इसलिए आपने देखा होगा वो जानकारी चल रही है कि अगर कोई खांस रहा है उसे बुखार है दूरी बनाए रखें मास्क कितना जरूरी है वो सारी चीजें आप सुन रहे होंगे कारण क्या है ये जो कोरोना है ये साइटोकाइंस स्टॉम्स ले आते हैं ये साइटोकाइंस स्टॉम्स हमारे लंग्स में जाके चिपक जाते हैं और इसकी वजह से बहुत बड़ी मात्रा में इम्यून सेल हो जाने की वजह से इनके बड़ी मात्रा में सेल के चिपक जाने की वजह से बलगम जमा होने लगेगा म्यूकस जिसे कहते हैं और वही कोरोना की पहचान है वो बहुत बड़ी मात्रा में अगर जमा हो जाएगा तो फिर ब्लड प्रेशर लो होगा ऑक्सीजन की कमी होगी और ब्लड प्रेशर कम का बढ़ जाना ऑक्सीजन की कमी हो जाना लंग्स के टिश्यू पूरी तरीके से डैमेज हो जाते हैं और जब लंग्स के टिश्यू डैमेज हो जाएंगे तो सांस फूलने लगेगी सांस फूलने लगेगी तो फिर सॉल्यूशन एक ही है कि पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखा जाए जिसकी कमी बहुत है तो आई होप आप समझ रहे होंगे चीजों को ऑब्जर्व कर रहे होंगे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कोरोना अटैक कैसे कर रहा है बॉडी को कोरोना अटैक करने का उसका तरीका क्या है खुद तो मल्टीप्लाई होगा नहीं उसकी क्षमता नहीं है हमारे शरीर में एंटर करते हुए एन्वायरमेंट में हमारे शरीर में एंटर करते हुए हमारे शरीर के जो होस्ट सेल्स हैं उसमें सबसे पहले साइटोकाइंस को प्रभावित करेगा इतने ज्यादा इम्यून सेल अब मैं बहुत ज्यादा मेडिकल लैंग्वेज पर नहीं जाना चाहता बहुत ज्यादा जो ए, इम्यून सेल हमारे बढ़ जाते हैं लिम्फोआइ्स जिसे हम कहते हैं उनकी जो बहुत बड़ी मात्रा में तादाद डेवलप हो जाएगी अब बहुत ज्यादा अगर किसी शरीर में सेल डेवलप हो जाएंगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी तो वो होता क्या है वो जाके लंग्स के टिश्यू को डैमेज करते हैं सबसे पहले ये साइटोकाइन साइटोकैंसटॉम्स लंग्स के टिश्यू को डैमेज करेंगे बीपी का कम हो जाना ऑक्सीजन का कम हो जाना सांस फूलने लगना आ, खांसी बहुत बड़ी मात्रा में आने लगना हमारी जो पूरी आ, जो हमारे लंग्स के जो सिस्टम्स हैं उनमें लंग्स के टिश्यू डैमेज हो जाने की वजह से बलगम जम जाना इन सारी चीजों के, के कारण हमारा इनेट नेट हमारा जो प्राकृतिक इम्यून सिस्टम है वो तहस नहस हो जाता है और प्राकृतिक इम्यून सिस्टम को बनाए रखने के लिए आप कई सारे घरेलू नुस्खे अपना रहे हैं तो गर्म पानी पीना गारगिल करना काढ़ा पीना या फिर नींबू पानी पी लेना ये सारी चीजें इसलिए की जा रही हैं आई रिपीट ये सब ना बेसिकली आपकी सुखद अनुभूति देते हैं कि हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं और वो जरूरी भी है तो वो होता क्या है वो आपकी प्राकृतिक जो प्रतिरोधक क्षमता है जो इम्यून सिस्टम है उसको बढ़ाने में मदद करते हैं ताकि कोरोना अगर शरीर में एंटर भी कर गया हो तो ये बहुत बड़ी मात्रा में ये साइटोकाइन स्टॉर्म ना होने पाए ये लिमिटेड रहे तो स्टूडेंट एक तो तरीका ये है लेकिन ये कब तक चलेगा वायरस ने अगर उग्र रूप धारण कर लिया है तब तो फिर उसका सॉल्यूशन एक ही है सॉल्यूशन क्या है कि हमारे पास अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक रूप में तो हम आगे नहीं आ पाए तो अब दूसरा तरीका है एडेप्टिव और एडेप्टिव का मतलब है टीकाकरण वैक्सीन मिल जाए वैक्सीनेशन अगर वैक्सीन मिल जाएगी जैसे कि कई प्रकार के रोगों से लड़ने के लिए हेपेटाइटिस बी की एक वैक्सीन है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन होने के साथ साथ बहुत हद तक अब इबोला के लिए दवाइयां हैं जीका के लिए दवाइयां हैं हालांकि फुल प्रूफ नहीं है लेकिन है तो वो सारी चीजें आपकी अडेप्टिव या तो कोई दवा मिल जाए मेडिसिन मिल जाए या फिर वैक्सीन मिल जाए अब ये वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम्स होते हैं इन पर कोई क्वेश्चन बन सकता है तो स्टूडेंट ये अडेप्टिव इम्यून सिस्टम क्या होता है इसे देख लेते हैं अडेप्टिव इम्यून सिस्टम के अंतर्गत जो वैक्सीन होती है स्टूडेंट वैक्सीन हमारे शरीर में जाके कुछ एंटीबॉडीज डेवलप करती हैं एंटीबॉडी शब्दों पे जाइए एंटीबॉडी आईजी जी इम्यूनो ग्लोबुलिन इम्यूनो ग्लोबुलिन तो हमारे शरीर में अगर वैक्सीन हमें मिलेगी तो हमारे शरीर में कुछ एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी एंटीबॉडीज का मतलब ही यही है जो एंटीजन को अटैक करेंगे शब्दों पर जाइए एंटीबॉडीज और एंटीबॉडीज किसकी दुश्मन है किसके साथ लड़ाई करती हैं जो वायरस है उसके साथ वायरस है या फिर एंटीजन या फिर पैथोजन फॉरन पैथोजन एक है तो एंटीबॉडीज की खासियत क्या हो स्टूडेंट वैक्सीन में सबसे अच्छी चीज ये होती है जैसे पोलियो की वैक्सीन हाँ पोलियो की वैक्सीन क्या होती है पोलियो बेसिकली पोलियोमाइलिटिस तो शरीर में अगर पोलियो का वायरस है तो वो पो, पोलियो का कारक बन सकता है तो उसके लिए जो आ, वैक्सीन है आपने एक बहुत फेमस वैक्सीन का नाम सुना होगा इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन आईपीवी तो आईपीवी करेगा क्या वो शरीर में सबसे पहले कुछ एंटीबॉडीज डेवलप कर देगा वो एंटीबॉडीज करेंगी क्या वो एंटीबॉडीज जो वायरस है जो पैथोजन है जो एंटीजन है इसके साथ लड़ाई करेगा और इसको न्यूट्रलाइज करेगा एक मिनट न्यूट्रलाइज करेगा इसको जड़ से खत्म नहीं करेगा उसको उसके असर को जड़ से खत्म करेगा इसको नहीं उसके असर को जड़ से खत्म कर देगा तो उसे न्यूट्रलाइज कर देगा तो एक शब्द समझिए न्यूट्रलाइज न्यूट्रलाइज का मतलब क्या होगा न्यूट्रलाइज का मतलब आप उसे मार नहीं पाएंगे आप उसे बेसिकली उसके असर को पूरी तरीके से जीर्ण शीर्ण कर देंगे समाप्त कर देंगे भाई ठीक है तुम रहे आओ शरीर में कोई दिक्कत नहीं लेकिन तुम तुम्हारे रहने की वजह से अब मेरे शरीर को कोई असर नहीं पड़ने वाला तो यह काम होता है एंटीजिन तो एंटीबॉडीज हमलावर होते हैं किस पर एंटीजिन्स पर तो बेसिकली आपने कई बार अखबारों में सुना होगा कि भारत में टेस्टिंग नहीं हो रही ये तो सो नहीं होगा आपने ऐसा कौन सा अखबार है जो उस पर ये बात नहीं आ रही कि लोग कह रहे हैं कि इंडिया में टेस्टिंग कम हो रही है या दिल्ली में टेस्टिंग अब ज्यादा हो रही है ये जो सारी चीजें हैं ना स्टूडेंट ये बेसिकली इससे रिलेटेड है एंटीबॉडीज से और इसलिए आपने ये शब्द जरूर सुना होगा कि भारत को एंटीबॉडी टेस्ट बढ़ाने चाहिए अब एंटीबॉडी टेस्ट क्या होंगे आईजी टेस्ट एंटीबॉडी टेस्ट हालांकि पांच एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं शरीर में लेकिन एंटीबॉडी टेस्ट के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण चीजें हैं एक आईजीएम और आईजीजी ये दो एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज किस चीज का सबूत है मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अगर कोरोना को हैंडल करने के लिए अगर मास स्केल पे बड़े पैमाने पर भारतीय नागरिकों का एंटीबॉडी टेस्ट होता है तो उसके क्या फायदे होंगे स्टूडेंट एंटीबॉडी टेस्ट के दो बड़े फायदे हो सकते हैं पहली चीज तो यह है कि अगर आप एंटीबॉडी टेस्ट कर रहे हैं और मेरे शरीर में एंटीबॉडी टेस्ट करके पता चला कि यार कोरोना से लड़ने के लिए इसके शरीर में यह एंटीबॉडी है तो इसका मतलब क्या है मेरा इम्यून सिस्टम अच्छा है नंबर वन नंबर टू इसका एक दूसरा मतलब भी यह है कि मुझे कभी कोरोना हुआ होगा और कोरोना ठीक हो चुका है कोरोना ठीक हो चुका है क्योंकि ठीक हो गया है तभी तो मेरे शरीर में एक ऐसी एंटीबॉडी आ गई है कि अब आने दीजिए कोरोना को मैं हैंडल कर लूंगा कई बार लोगों को कोरोना मल्टीपल टाइम्स हो रहा है मल्टीपल टाइम्स होने का मतलब है कि उनके शरीर में एंटीबॉडी डेवलप नहीं हो रही है एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी तो वो जो एंटीजन है कोरोना का उसे हैंडल करना आसान हो जाएगा तो स्टूडेंट एंटीबॉडी टेस्ट दो चीज के लिए निर्णायक होती हैं पहली चीज के लिए इससे यह पता चल जाएगा कि शरीर में कभी कोरोना था या नहीं या है नंबर वन और दूसरी सबसे बड़ी बात आपने एक चीज बहुत सुनी होगी अभी दिल्ली के जो हेल्थ मिनिस्टर है वो बीमार पड़ गए थे उन्हें कोरोना हो गया था और कोरोना ठीक होने के बाद यह चीज खूब सुन रहे होंगे आप प्लाज्मा थेरेपी व्हाट इज प्लाज्मा थेरेपी हमारा जो ब्लड है वो बेसिकली आरबीसी डब्ल्यू और प्लाज्मा से बनके तैयार हुआ है अब तुम्हारे शरीर में या मेरे शरीर में मान लेते हैं एंटीबॉडीज डेवलप हो गई मुझे कभी कोरोना था ठीक हो गया अब एंटीबॉडी आ गई हैं तो स्टूडेंट यह जो एंटीबॉडीज हैं इन्हें निकाला जा सकता है यह एंटीबॉडीज आप निकाल लीजिए मेरे शरीर में जो एंटीबॉडीज आ गई हैं मेरे शरीर में एंटीबॉडी होने का मतलब पहले कभी कोरोना था अब ठीक हो गया है डेवलप हो गई है वो कैपेसिटी कि मैं कोरोना को हैंडल कर सकूं क्योंकि एंटीबॉडी तो एंटीजन की दुश्मन होती है और मेरी ये जो एंटीबॉडीज हैं इनको प्लाज्मा थेरेपी के अंतर्गत अगर मैं प्लाज्मा डोनेट कर लूं तो वो निकाल ली जाएंगी और यह जो एंटीबॉडीज हैं किसी दूसरे प्रभावित व्यक्ति को दे दी जाएंगी तो इससे होगा क्या मास स्केल पे रिकवरी रेट क्या होगा बढ़ जाएगा तो व्हाट इज प्लाज्मा थेरेपी स्टूडेंट प्लाज्मा थेरेपी कुछ नहीं होती प्लाज्मा थेरेपी इज बेसिकली डोनेशन ऑफ एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज निकाल लेना दैट्स वॉट प्लाज्मा थेरेपी इज तो ये बहुत चर्चा में खूब चर्चा में सुन रहे होंगे आप प्लाज्मा थेरेपी इत्यादि इत्यादि इन दोनों में क्या फर्क है भैया इन दोनों में केवल टाइम पीरियड का फर्क है ये जो आईजीएम होता है ये थोड़ा टेंपरेरी काम करता है ये जो एंटीबॉडी होती है ना ये एंटीबॉडी वायरस के असर को 1 2 हफ्ते तक न्यूट्रलाइज करने में मदद करती है टेंपरेरी इसका काम टेंपरेरी है और एंटीबॉडी अगर आईजीएम है इसका मतलब कि यार अभी तुम्हारा शरीर उतना अच्छा नहीं हुआ इम्यूनिटी उतनी अच्छी नहीं हुई तुम्हारे शरीर में अभी यही एंटीबॉडी है केवल आईजीएम तो ये टेम्प्रेरी रूप से तुम्हें बचाए रखेगी इसलिए करोना बार बार हो जाता है पेशेंट्स आपने वो सुना होगा ना वो गायिका कनिका कपूर उसका चार चार पांच पांच बार टेस्ट हुआ और तब जाके एक बार वो रिजल्ट आई कि वो अब नेगेटिव है पहले तो चार पांच बार वो पॉजिटिव आई उसका प्राइमरी रीजन क्या है शुरुआत में शरीर में अगर कोई एंटीबॉडी डेवलप हो जाए तो वो आईजीएम है पर इसका टेंरी है मे बी वन वीक टू वीक थ्री वीक लेकिन जो स्थायी काम होता है वो इस एंटीबॉडी की वजह से होता है एजीजी दिस इज परमानेंट हमने लगवाया हेपेटाइटिस है, है, बी का वैक्सीन इंजेक्शन अब हमारे शरीर में अगर पोलियो की खुराक मिली है या आप तो पोलियो के इंजेक्शन जो आईपीवी आ गए हैं इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन आ गई है अब वो अगर हमने बच्चे को दी है या हमने हेपेटाइटिस का इंजेक्शन लगवाया है तो आप बताइए हेपेटाइटिस का इंजेक्शन लगाने के बाद पूरी जिंदगी भर मुझे हेपेटाइटिस होने के चांसेस ऑलमोस्ट निल रहेंगे क्यों क्योंकि मेरे शरीर के भीतर एक परमानेंट एंटीबॉडी बन गई है आई जी जी ये परमानेंट एंटीबॉडी हमेशा जब जब मेरे शरीर में हेपेटाइटिस का वायरस अटैक करेगा ये उसको न्यूट्रलाइज कर देगा नहीं होगा मुझे हेपेटाइटिस दैट्स वॉट एंटीबॉडी इज ऑल अबाउट और जब आप इसका अब आप थोड़ा रिपीट कर देते हैं सरल शब्दों में इम्यून सिस्टम दो पार्ट में प्राकृतिक अडेप्टिव अडेप्टिवीन मतलब के द्वारा प्राकृतिक का मतलब आपके जितने अच्छे डब्ल्यू बी सीज हैं आ, लेकिन जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है कंटेजियस बीमारी है तो उसे देखते हुए आपको प्राकृतिक इम्यून सिस्टम अपना जो प्रतिरोधक क्षमता है वो प्राकृतिक तो स्ट्रॉन्ग बनाए रखना है भला हो मेडिकल साइंस का कि अगर वो अडेप्टिव इम्यून सिस्टम में ये भी डेवलप कर सके अब अडेप्टिव इम्यून सिस्टम के अंतर्गत वैक्सीन वैक्सीन क्या काम करती है भैया वैक्सीन हमारे शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप कर सकती है या मेडिसिन हमारे शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप कर सकती है एंटीबॉडीज क्या काम करती हैं एंटीबॉडीज बेसिकली जो एंटीजेंस होता है जो पैथोजेंस होता है जो वायरस होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देती हैं न्यूट्रलाइज किस तरीके से करेंगी एंटीबॉडी दो प्रकार की डेवलप कर लेगा शरीर आईजीएम आईजीजी आईजीएम क्या होते हैं ये टेम्प्ररी एंटीबॉडीज होती हैं ये वायरस को न्यूट्रलाइज करने में अल्प समय के लिए अल्पकालिक अवधि के लिए प्रभावकारी होती हैं परमानेंट आईजीजी बन सकता है क्वेश्चन व्हाट इज प्लाज्मा थेरेपी प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है प्लाज्मा थेरेपी के अंतर्गत बेसिकली ब्लड स्ट्रीम में प्लाज्मा जो लोग डोनेट करते हैं तो हमारी ब्लड स्ट्रीम्स में जो बेसिकली एंटीबॉडीज आ गई हैं उसको प्लाज्मा नहीं निकाला जाता उन प्लाज्मा डोनेट करने का मतलब है उन एंटीबॉडीज को निकाल लिया जाएगा और ये एंटीबॉडीज एक शरीर से निकालकर दूसरे शरीर में जो जिसको कोरोना है उसको दे दी जाएंगी और उसके बाद वो एंटीबॉडीज उस शरीर में जाके अपना आ, काम करेंगी इसलिए दिल्ली सरकार ने अभी जो प्लाज्मा बैंक बनाया है एक अच्छा स्टेप है और वो बार बार लोगों से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि प्लाज्मा डोनेट करिए अगर आपको कोरोना था आप ठीक हो चुके हैं प्लाज्मा डोनेट करिए तो ये जो बीच की जानकारी ना वो हमें नहीं मिलती प्लाज्मा डोनेट करने का मतलब ये नहीं है कि एक लीटर खून जाके दे दिया आपने प्लाज्मा डोनेट करने का मतलब यह है कि बेसिकली मुझे कभी कोरोना था मैं अब ठीक हो चुका हूं ठीक होने का मतलब ठीक होने का मतलब क्या है ठीक होने का मतलब एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी हैं तो ये एंटीबॉडीज मैं डोनेट करना चाहता हूं थ्रू द मीडियम ऑफ प्लाज्मा तो इस तरीके से चीजें कनेक्ट करनी है तो यहां पर एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है वो है हमारे इम्यून सिस्टम से संबंधित अच्छा एक चीज और एंटीबॉडी टेस्ट का क्या मतलब है स्टूडेंट दो चीजें हैं अगर तुम्हारे शरीर में एंटीबॉडीज हैं और उसकी टेस्टिंग हुई है इसका मतलब नंबर वन अब तुम रिकवर कर गए हो अगर तुम्हारे शरीर में आईजीएम या आईजीजी है इसका मतलब तुम रिकवर कर गए हो और दूसरी चीज अब एंटीबॉडीज आई हैं, रिकवर कर गए हो और उसका दूसरा मतलब क्या होगा रिकवर कर गए उसका मतलब पहले कभी पास्ट में कभी कोविड रहा होगा कोरोना रहा होगा पास में कभी कोरोना रहा होगा तभी तो तुम रिकवर किए हो क्योंकि रिकवर इसलिए क्योंकि तुम्हारे शरीर में तो एंटीबॉडी दिख रही है इसका मतलब है कि ये एंटीबॉडी दिखने का मतलब है कि तुम अब रिकवर कर गए हो अब ये एंटीबॉडीज आएंगी कहां से इसके लिए मेडिकल साइंस आपने कई प्रकार की दवा सुनी होगी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दे रहा है रेमडेसिविर दे रहा है कई प्रकार की दवाएं मेडिकल प्रोफेशनल देते चले जा रहे हैं वो केवल यही एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि इन फला फला दिवाइयों से क्या शरीर में वो एंटीबॉडीज डेवलप हो रही हैं क्या जो कि कोरोना को न्यूट्रलाइज करने में मदद करे जब तक प्रॉपर वैक्सीन नहीं बनती तब तक इस तरीके के एक्सपेरिमेंट चलते रहेंगे एक बहुत ही फेमस एक, एक एंटीबॉडी टेस्ट जो होता है वो होता है एलिसा इसके बारे में मैं जब साइंस पढ़ाऊंगा तब वहां पर जाकर आपके साथ चीजें शेयर करेंगे तो एंटीबॉडी टेस्ट यहां पर चीजें पूछी जा सकती हैं तो देखो भैया फोर्थ पार्ट कोरोना से रिलेटेड हमारा हमारा इम्यून सिस्टम के बारे में एक चीजें बनाई जा सकती है एक और चीज में समझा दू आपको नंबर फिफ्थ अभी क्लासेस की आज पहली क्लास है तो मैं जरा आपको एक एक ब्रीफ आउटलुक दे दूं कि पढ़ने का स्तर क्या होना चाहिए और हम हर विषय पे इसी तरीके की चीजें करेंगे कि एक ही बार में सारी चीजें करें और बहुत अच्छे से करें ताकि उस एरिया से कुछ चीजें छूटे ना एक क्वेश्चन और बनाया जा सकता है स्टूडेंट आप देख रहे होंगे कि अखबारों में आ, टेस्टिंग के बारे में बहुत सारी चीजें होती हैं तो कोरोना वायरस को जांचने के लिए कि शरीर में कोरोना वायरस है कि नहीं है उनसे संबंधित कितने प्रकार के टेस्ट होते हैं तो बेसिकली डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोरोना वायरस की जानकारी एकत्रित करने के लिए कितने प्रकार के टेस्ट लाभकारी होते हैं तो स्टूडेंट तीन प्रकार के टेस्ट होते हैं कोरोना वायरस टेस्ट कोविड नाइनटीन टेस्ट आर ऑफ थ्री टाइप्स एक तो आप लोग अभी पढ़ ही चुके हो एंटीबॉडी टेस्ट बाकी दो की मैं चर्चा कर लेता हूं पहला टेस्ट मॉलिक्यूलर टेस्ट मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर टेस्ट ये मोलिकुलर टेस्ट क्या होता है मोलिकुलर टेस्ट दो टाइप के ये तो आपने जरूर पढ़ा होगा स्टूडेंट पीसीआर टेस्ट पॉलीमराइज चेन रिएक्शन बेसिकली ये डीएनए टेस्ट होता है पीसीआर टेस्ट पॉलीमराइज चेन रिएक्शन आर टी टेस्ट ये एक मोलिकुलर टेस्ट होता है ये मोलिकुलर टेस्ट क्या होता है स्टूडेंट uh, वो आपने देखे होंगे कि गले में या नाक में जो म्यूकस होता है या जो बलगम होता है उस बलगम का सैंपल ले लेते हैं जिसे वो नेजल स्वैप कहते हैं या फिर थ्रोट स्वैब कहते हैं वो सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं उस सैंपल को लेकर एक स्लाइन में उसे फैलाते हैं और उसका माइक्रोस्कोपिक अध्ययन करके वो पता लगा लेते हैं कि यहां पर इनके शरीर फला फला व्यक्ति के शरीर में ऐसे मॉलिक्यूल्स पाए गए हैं जो इस बात का सबूत है कि ये कोरोना वायरस है तो मॉलिकुलर टेस्ट एक होता है आर टेस्ट और एक चीज और केवल यहां ना रुके जो सब, एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट है नेट मैं लिख देता हूं गूगल पे सर्च भी कर लेना न्यूक्लियक एसिड न्यूक्लियक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट शब्दों पर जाओ न्यूक्लियक एसिड न्यूक्लियक एसिड मतलब डीएनए टेस्ट है ये न्यूक्लियक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट नेट ये बेसिकली ट्यूबर कोलोसिस की जांच के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है तो ये मोलिकुलर टेस्ट दो प्रकार के होते हैं तो कोरोना को जांचने के लिए दो तरीके या तो पीसीआर टेस्ट कराओ या नेट कराओ अब वो आपने सुना होगा कि साढ़े चार हजार रुपए का टेस्ट है वो साढ़े चार हजार रुपए का जो टेस्ट है वो पीसीआर टेस्ट है लेकिन इसके साथ साथ आज भारत के कई सारे अस्पतालों में नेट मशीन लग गई है सीबी नेट मशीन बोलते हैं सीबी नेट सीबी नेट मशीन कई सारे अस्पतालों में मौजूद है कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लियक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट या सिर्फ ट्रू नेट भी कहते हैं या सीबी नेट भी कहते हैं तो ये मशीनें उपलब्ध हैं आप उसके माध्यम से भी मोलिकुलर टेस्ट के माध्यम से भी पता लगा सकते हैं कि कोरोना है कि नहीं है ये हमारी कंट्री में अनफॉर्चुनेटली शायद उस लेवल पर नहीं हो रहा जो कि होना चाहिए और शायद है भी बहुत मुश्किल क्योंकि इतने बड़े स्केल पर करना आ, काफी एक विषम परिस्थिति है पर होना चाहिए तो एक तरीका होता है मॉलिक्यूलर टेस्ट दूसरा क्या होता है स्टूडेंट दूसरा होता है एंटीजन टेस्ट एंटीजन टेस्ट इसी का थोड़ा एक और एडवांस वर्जन ये रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट है मॉलिक्यूलर टेस्ट से पता चल जाएगा कि होस्ट सेल में ऐसे वायरस पाए गए हैं जो कि इनका जो डीएनए है वो ये बता रहा है कि ये कोरोना है या फिर एक एंटीजन टेस्ट शब्दों पे चले जाओ एंटीजन एंटीजेंस मतलब वायरस होने के प्रमाण तो एक एंटीजन टेस्ट और तीसरा और अंतिम डेफिनेटली जिसकी पढ़ाई अभी हम कर रहे थे एंटीबॉडी टेस्ट तो ये तीन तरीके के टेस्ट है दी एंटीजन टेस्ट एंटीबॉडी टेस्ट और मॉलिकुलर टेस्ट इन तीनों को देखते हुए हम ये बता सकते हैं कि व्यक्ति विशेष के शरीर में कोरोना का कितना असर है और उसको कोरोना का इन्फेक्शन है कि नहीं है इन सब चीजों की जानकारी एकत्रित की जा सकती है तो स्टूडेंट क्यों नहीं बनाया जा सकता क्वेश्चन इस पर याद रखिएगा देर आर एक्चुअली थ्री टाइप ऑफ टेस्ट मॉलिक्यूलर एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट मैंने इनका मतलब भी समझा दिया एंटीजन समझा चुका हूं क्या है मॉलिक्यूलर टेस्ट दो प्रकार के डीएनए टेस्ट पीसीआर टेस्ट और नेट टेस्ट अब अगर ये मैं एक एक एकत्रित एक करके नहीं पढ़ूंगा फिर प्रिपरेशन में एक गैप हमेशा बना रहेगा एक और चीज और चीजें देखते हैं। और किन पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है स्टूडेंट एक क्वेश्चन केवल इसके बारे में बनाया जा सकता है कि ये बेसिकली है क्या एक क्वेश्चन केवल इस पे बनाया जा सकता है सिवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी कि शसन की एक बीमारी सिवियर रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस टू कोरोना वायरस वन टू थाउजेंड टू ऑफकोर्स चाइना और कोरोना वायरस टू टू थाउजेंड नाइनटीन तो सार्स कोव टू अब ये सार्स कोव टू सार्स कोरोना बेसिकली ये एक आर एन ए वायरस है इसका सोर्स क्या है अभी भी क्वेश्चन मार्क है कुछ लोग कह रहे हैं ये जूनोटिक है जानवरों से निकलकर मनुष्य को प्रभावित कर रहा है जूनोटिक है कुछ लोग कह रहे हैं कि चमगादड़ के शरीर से कुछ लोग कह रहे हैं पेंगोलिन, पेंगोलिन पे भी क्वेश्चन बन सकता है क्यों नहीं बन सकता क्योंकि ये चर्चा में तो आया था या आपने सुना भी होगा कि पेंगोलिन के शरीर से निकला है आ, ये कोरोना चाइना के जो वहां पर जो आ, मार्केट था वेट मार्केट जहां पर आ, मांस मिलता है जानवरों का तो पेंगोलिन के शरीर से निकला है जोनोटिक डिसीज है पर ये अभी फुल प्रूफ नहीं है ये अभी फुल प्रूफ नहीं है इट विल टेक टाइम जब ये फुल uh, प्रूफ सामने आएगी, कुछ लोग तो ये तक कह रहे हैं ये लैब में जनरेट किया गया है वुहान की किसी लैब में जनरेट किया गया है तो ये अनुवांशिक रूप से बेसिकली इंजीनियर्ड किया गया है अभियांत्रिक किया गया है प्रोड्यूस किया गया है इसे बट ये कॉन्सपेसी है अमेरिका की कॉन्स्परेसी है तो आपसे सार्स कोव टू के बारे में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं व्हाट टाइप ऑफ वायरस इज सार्स कोव टू एक और चीज एक और एरिया स्टूडेंट जो कि कोरोना वायरस से संबंधित है uh, बहुत लंबे समय से न्यूज में रहा है uh, वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीवायरल ड्रग्स वेरी इंपॉर्टेंट शायद जितने भी विषय हैं उनमें कोरोना से संबंधित उनमें एक जरूरी पार्ट एंटीवायरल ड्रग्स अब आप कई प्रकार की चीजें सुन रहे होंगे तो बहुत सारी दवाइयों के नाम आज ये दवाई आज ये दवाई ब्रिटेन में कोई नई दवा लॉन्च हुई है दवा नई नहीं, नहीं है पुरानी है पर उसका प्रयोग चालू हुए तो एंटीवायरल ड्रग्स इन पर क्वेश्चन बनाया जा सकता है पहली बात एंटीवायरल ड्रग्स का काम क्या है ये पैथोजन को जड़ से नहीं मिटाती पैथोजेंस को पूरी तरीके से जड़ से नहीं मिटाती केवल उसके असर को इनहिबिट कर देती केवल उसके असर को रोकने की कोशिश करेंगे तो आपका पता है कि कोई दवा तो बनी नहीं है स्टूडेंट ना वैक्सीन बनी है ना दवा बनी है तो अभी वैज्ञानिक कर क्या रहे हैं अभी दुनिया के जितने वैज्ञानिक हैं इसे अच्छे से लिख लीजिएगा समझ लीजिएगा रेसिप्रोकल ड्रग्स अभी दुनिया के जितने वैज्ञानिक हैं वो बेसिकली एक्सपेरिमेंट मोड पर हैं. एक्सपेरिमेंट मोड पर मतलब रेसिप्रोकल ड्रग्स ले रहे हैं रेसिप्रोकेट का मतलब क्या होता है रेसिप्रोकल ड्रग्स मतलब स्टूडेंट वह दवा जो पहले किसी बीमारी में निर्णायक रही होगी उस दवा का प्रयोग एक नई बीमारी के लिए करना मैं रिपीट कर रहा हूं वह दवा जो पहली किसी बीमारी के लिए महामारी के लिए निर्णायक रही होगी उस दवा का प्रयोग एक नई बीमारी के लिए करना अभी कोई दवा तो बनी नहीं है तो सारी रेसी प्रोकल ड्रग्स सामने आ रही है तो स्टूडेंट कौन कौन सी रेसी प्रोकल ड्रग्स सामने आई है पिछले चार महीने में एच भारत और अमेरिका के संबंध में एक नई जान आ गई थी जब भारत ने बहुत बड़ी क्योंकि हमारे यहां एच बहुत बड़ी मात्रा में बनती है हमारी जो दवा कंपनियां हैं तो वो एच बहुत बड़ी मात्रा बनाती है तो डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया से रिक्वेस्ट की थी कि एच की सप्लाई बढ़ाइए और भारत ने सौ से ज्यादा देशों में एच की सप्लाई करी तो ये आई का भी एक विषय हाइड्रोक्सी है। क्लोरोक्विन मेडिसिन हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन मेडिसिन एच अब एच बेसिकली है क्या ये किसी बीमारी के लिए निर्णायक रही है अब इसका एक्सपेरिमेंट कोरोना के लिए किया जा रहा है बेसिकली ये एक एंटी मलेरियल ड्रग्स है मलेरिया के अगेंस्ट निर्णायक है एच इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है जनरेट किया जा सकता है दूसरा ये आप दव, आ, ये आप खूब इस दवा के बारे में आप खूब सुन रहे होंगे भी एक प्रोकल ड्रग्स है रेमडेसिविर रेमडेसिविर क्यों चर्चा में आया अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टूडेंट आप गूगल करके मत देखना तुरंत आंसर करें अगर पता हो तो और अगर नहीं पता इसका मतलब ना आप अखबार पढ़ रहे हैं ना आप अटेंटिव हैं रेमडेसिविर जो दवा है वो बेसिकली हाल फिलहाल में किस वायरस को हैंडल करने के लिए बहुत निर्णायक रही है अफकोर्स uh, आप मेरे सामने नहीं है लेकिन मैं संवाद करने की कोशिश कर रहा हूं एबोला रेमडेसिविर बेसिकली वेरी हेल्पफुल फॉर एबोला तो एबोला अभी हाल फिलहाल में चर्चा मेरा तो उसे हैंडल करने के लिए रेमडेसिविर दिया गया अब यही जो रेमडेसिविर है ये अब कोरोना के जो मरीज हैं उनको दिया जा रहा है उनको एक्सपेरिमेंट पे लाया जा रहा है ये एक चर्चा में है ब्रिटेन में अभी ये दवा चर्चा में है डेक्सा मीथासोन बेसिकली डेक्सा मीथासोन जो एक दवा है वो बेसिकली एक, एक एंटी एलर्जिक है और जो आंतों में छाले हो जाते हैं अल्सरेटिव कोलाइटस उसकी एक दवा है और एंटी एलर्जिक भी एक दवा है कई सारी चीज़ों के लिए हेल्पफुल है तो ब्रिटेन में डेक्सा जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कोरोना के पेशेंट्स पर कुछ मिले जुले रिजल्ट आए हैं अगर रिजल्ट बहुत बड़ी मात्रा में अच्छे आएंगे उसके क्लिनिकल ट्रायल और अच्छे होंगे रिजल्ट्स और जबरदस्त तरीके सामने आएंगे तो हो सकता है इसका प्रयोग सामने आ जाएगा देखिए एक चीज़ तो श्योर है इसकी फुल प्रूफ दवा तो मिलने से रही एच आई मनुष्य एच के साथ रह ही रहा है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशंसी वायरस उसके लिए कई सारी टेक्निक जैसे कि आपने सुना होगा कि एच के असर को कम करने के लिए इम्यूनिटी घटती तो है लेकिन उसकी गति को कम करने के लिए एआरटी uh, दिया जाता है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दी जाती है एआरटी की जाती है तो ठीक इसी तरीके से ऐसा ही इलाज होगा कोरोना का कोई फुल प्रूफ मेडिसिन अभी तो बनने से होते हुए नहीं दिख रही है नहीं मेडिसिन नहीं वैक्सीन तो डेक्सामिथासन ये एक एंटीवायरल ड्रग्स है या एंटीवायरल ड्रग्स के रूप में प्रयोग में लाई जा रही है बनी तो नहीं है प्रयोग में लाई जा रही है इसलिए ये सारी ड्रग्स एंटीवायरल नहीं है बेसिकली रेसिप्रोकल ड्रग्स है पहले किसी बीमारी के लिए बेनिफिशियल रही है आ, एक और चीज लोपीनेवर यह भी चर्चा में रही है लोपिनेवर ये जो दवा है ये बेसिकली एच आई वी के जो मरीज हैं उन्हें दी जाती है ये भी एक इम्यूनो डेफिशेंसी वायरस है और कोरोना भी वायरस फैमिली को बिलोंग करता है तो डॉक्टर्स इसका भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि क्यों ना लोपिनेवर देख के देखी जाए लोपिनेवर और राइटोनेवर राइट टू नेवर लोपी नेवर दोनों एच आई वी ड्रग्स हैं उन्हें देखे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है अब मुश्किल से दस दिन पहले चलिए दस दिन पहले आ, भारत में इंडिया में जिस मेडिसिन के एक्सपेरिमेंट चालू हुए हैं जिस रेसिप्रोकल के एक्सपेरिमेंट चालू हैं फेवीपेराविर इस मेडिसिन के एक्सपेरिमेंट चालू हुए हैं कि पेशेंट्स को दिया जाएगा चीजें देखी जाएंगी कि कितनी निर्णायक है कितना असर डाल रही है और फिर उनको बड़े स्तर पर बाकी पेशेंट्स को दिया जाएगा तो फेवी बेसिकली जो इंफ्लुएंजा होता है बुखार होता है आ, बड़े स्तर पर उसको नियंत्रित करने के लिए एक दवा दी जाती है फेवी इसके एक्सपेरिमेंट चालू हुए हैं भारत ने अभी एक अभी अगर आप अखबार पढ़ रहे हैं तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भारत बायोटेक्स के साथ मिलकर एक वैक्सीन ड्रग्स नहीं वैक्सीन एक वैक्सीन चर्चा में ये भारत की वैक्सीन बोल तो रहे हैं कि हमने वैक्सीन बना ली है लेकिन 15 अगस्त तक इसका ट्रायल करेंगे और फिर ये मार्केट में लॉन्च की जा सकती है कोवैक्सीन तो कोवैक्सीन की चर्चा है कोरोना वायरस को हैंडल करने के लिए भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का एक साझा प्रयास तो स्टूडेंट ये सारे ड्रग्स ये सारी चीजें चर्चा में रही हैं इन पर कोई ना कोई क्वेश्चन बनाया जा सकता है अब एक चीज और अब आपको समझ में तो आ रहा होगा कि एंटीवायरल ड्रग्स नाम की कोई फुल प्रूफ दवा तो होती नहीं है अगर बन भी जाएगा तो जड़ से खत्म नहीं होगा लेकिन हमें टेस्ट तो करने पड़ेंगे ट्रायल्स तो करने पड़ेंगे तो इस समय दुनिया में अनेकों प्रकार के ट्रायल्स चल रहे हैं जो कि दवाओं के असर का मूल्यांकन कर रहे हैं तो उस पर कोई क्वेश्चन बन सकता है कि इस समय दुनिया के सबसे फेमस फेमस ट्रायल्स कौन से हैं जिसके अंतर्गत तो कोरोना की ड्रग्स का मूल्यांकन चल रहा है कोरोना को कोरोना को हैंडल करने के लिए फला फला ड्रग्स दी जा सकती है कि नहीं उसके बारे में क्वेश्चन बनाया जा सकता है तो स्टूडेंट डब्ल्यू एक कार्यक्रम चला रहा है डब्ल्यू एक कार्यक्रम चला रहा है सॉलिडेरिटी ट्रायल्स सॉलिडेरिटी ट्रायल्स अच्छे से लिख लीजिएगा सॉलिडेरिटी सॉलिडेरिटी ट्रायल्स ये कौन से ट्रायल्स हैं एक ही मरीज को कई प्रकार के मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑप्शन दिए जाएंगे रेमडेसिविर दी जाएगी डेक्सामिथासोन दी जाएगी और सब उनको टेस्ट किया जाएगा कि इसके शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप हो पा रही हैं कि नहीं हो पा रही हैं तो एक सॉलिडरिटी ट्रायल और कुछ लोगों को वो कह भी रहे जो कोरोना पेशेंट्स रहे हैं, कि आप सामने आए सॉलिडारिटी ट्रायल्स के लिए सामने आए और बेसिकली यूरोप के दस लगभग दस देशों में यह सोलिडरिटी ट्रायल्स की खूब चर्चा है वहां कई सारे लोगों पर सॉलिडरिटी ट्रायल्स किए जा रहे हैं इसी तरीके से ब्रिटेन की ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एक टेस्टिंग का कार्यक्रम चला रही है रिकवरी ट्रायल्स तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना क्यों नहीं पूछ सकता कि सॉलिडरिटी और रिकवरी ट्रायल किससे संबंधित है कोरोना की ड्रग से संबंधित है रिकवरी ट्रायल ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का इसी ट्रायल्स के अंतर्गत जो मरीज हैं उन्हें -मिथासन दी जा रही है और अमेरिका में अभी मुश्किल से एक डेढ़ महीने पहले अमेरिका में एक कार्यक्रम चालू हुआ है मेडिसिन या वैक्सीन को डेवलप करने का वहां के वैज्ञानिकों को एक संदेश दिया गया है ऑपरेशन फॉर्प स्प पीड़। तीनों को मैं एक बार रिपीट कर देता हूं डब्ल्यू एच ओ डब्ल्यू एच ओ का कार्यक्रम जिसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार के टेस्ट किए जा रहे हैं मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑप्शन दिए जा रहे हैं कई सारे ऑप्शन दिए जा रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए तो उससे पता लगाया जा रहा है कि असर कितना है दवाइयों का वही दवाइयाँ जो अब तक प्रभावकारी रही हैं किसी दूसरी बीमारियों में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय कार्यक्रम चला रहा है रिकवरी ट्रायल ये बेसिकली यूरोप में ज्यादा प्रचलित है रिकवरी ट्रायल ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और अमेरिका की सरकार ने कार्यक्रम बनाया है ऑपरेशन वार्प स्पीड वार्प स्पीड के अंतर्गत अमेरिका कहना चाहता है या कह रहा है कि हम दिसंबर 2020 तक कोरोना की वैक्सीन डेवलप कर लेंगे तो ऑपरेशन वार्प सीड अमेरिका अमेरिका ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ब्रिटेन और ये यूरोप का में डब्ल्यू का कार्यक्रम यहां से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और स्टूडेंट आखिरी एरिया इसी कोरोना विषय से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू कोविड 19 या फिर वैक्सीन प्रोग्राम वह संगठन वह संगठन जो कोविड नाइन्टीन को हैंडल करने के लिए तत्पर हैं, अग्रेसिवली काम कर रहे हैं या वैक्सीन को बनाए बनाने के लिए काम कर रहे हैं तो कौन कौन से संगठन है स्टूडेंट सबसे पहले ऑफकोर्स डब्ल्यू एचओ डब्ल्यू एच ओ की जब बात होगी तो हो सकता है यूपीएससी इसके बारे में क्वेश्चन को, पूछ ले अलमा आता घोषणा अलमा आता डलरेशन इसके बारे में क्वेश्चन पूछ ले या फिर पिछले साल चर्चा में आया अस्ताना डिक्लेन अलमा आता डेक्लेन का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को आगे बढ़ाना प्राइमरी हेल्थ केयर को आगे बढ़ाना ये अठहत्तर में आया था अलमा आता 1978 में अलमा आता डेक्लेन प्राइमरी हेल्थ केयर को आगे बढ़ाना और अस्ताना डिक्लेरेशन ये पिछले साल चर्चा में आया अस्ताना डिक्लेरेशन का मुख्य उद्देश्य यह है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल को आगे बढ़ाना तो डब्ल्यूएचओ का ये दायित्व तो बनता है कि अलमा आता और अस्ताना डिक्लेरेशन को आगे बढ़ाए मजबूती के साथ देशों के साथ का काम करें ताकि जो देश हैं वो अपनी स्वास्थ्य प्रणाली को सशक्त करें और जो नागरिक हैं हर देश के उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का एक मौका मिले तो आता डिक्लेरेशन अस्ताना डिक्लेरेशन इसी तरीके से डब्ल्यू एच ओ के अंतर्गत अब आपने एक चीज देखी होगी कि दिसंबर और जन, लगभग दिसंबर के महीने तक दिसंबर 2019 तक डब्ल्यू एच ओ कोरोना को केवल एपिडेमिक मान रहा था एक स्थानीय क्षेत्र तक सीमित मान रहा था एपिडेमिक और फर, आगे चलकर जब इसका भयावह रूप यूरोप में देखने मिला इटली में देखने मिला ब्रिटेन में देखने मिला ईरान में देखने मिला तो इसी एपेडेमिक को एक महामारी पैंडेमिक घोषित कर दिया गया तो स्टूडेंट ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डब्ल्यू की कौन सी बॉडी या कौन सा तंत्र किसी बीमारी को महामारी घोषित करने की ताकत रखती है एपिडेमिक या पेंडेमिक घोषित करने की ताकत रखती है तो डब्ल्यू का ही एक चैप्टर है जिसके अंतर्गत किसी बीमारी को पैंडेमिक का दर्जा दिया जाता है मैं उसका नाम लिख देता हूं पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न एक ऐसी बीमारी जो कि पूरे के पूरे लोक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न के अंतर्गत कोरोना को पेंडेमिक घोषित किया गया आई एल रिपीट डब्ल्यू ने कोरोना को पेंडेमिक एक वैश्विक महामिमारी का दर्जा दिया है स्थानीय नहीं वैश्विक महामारी का दर्जा दिया है और वो महामारी का दर्जा देने के लिए डब्ल्यू का एक चैप्टर है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न उसके अंतर्गत दिया गया है ये जो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न है इसने अब तक छः बीमारियों अब तक छः बीमारियों को इसने आ, महामारी या वैश्विक महामारी महामारी के रूप में स्थापित किया है वो कौन कौन सी है एक एच वन एन वन स्वाइन फ्लू दो हज़ार चौदह में पाकिस्तान और अफगानिस्तान नाइजीरिया यहाँ पर पोलियो के बहुत ज़्यादा मामले सामने आए थे तो दो हजार नौ में स्वाइन फ्लू एच वन एन वन दो हज़ार चौदह में पोलियो डिक्लरेशन 2015 में जीका 2016 में वेस्ट अफ्रीका में फैला इबोला मैंने अभी आपको बताया था ना कि एक तो वेस्ट अफ्रीका में फैला इबोला और अभी कांगो में फैला हुआ इबोला तो 2016 में वेस्ट अफ्रीका का इबोला अभी वर्तमान में कांगो में फैला हुआ इबोला और छठा अभी सामने आया कोविड कोविड 19। तो छह प्रकार की पिछले 10-12 सालों में छह प्रकार की बीमारियों को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न ने वैश्विक बीमारी घोषित किया एच वन एन वन स्वाइन फ्लू एबोला जीका, एबोला वेस्ट अफ्रीका में और एबोला कांगो में तो दो हो गए जी का एबोला वन एबोला टू के नाम से देख लेते हैं स्वाइन फ्लू हो गया पोलियो हो गया जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान और नाइजीरिया में और फिर अभी चर्चा में आया कोरोना वायरस तो स्टूडेंट यहां से क्वेश्चन बनाया जा सकता है बिल्कुल बनाया जा सकता है और हमें बहुत सीरियसली से प्रिपेयर करना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक इस समय दुनिया की एक एजेंसी जो कई सारी एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है वैक्सीन के डेवलपमेंट के लिए वो है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन फॉर इम्यूनाइजेशन गावी ये बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की एक सहयोगी संस्थान में से एक है गावी ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन ये पिछले साल भी चर्चा में आया था बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना उनको इन संस्था ने अवार्ड भी दिया था पिछले साल उनके वैक्सीन के वैक्सीन डेवलपमेंट के अच्छे स्टेप्स के कारण तो गावी एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है जो कि वैक्सीन के डेवलपमेंट के लिए प्रयासरत है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड फॉर इम्यूनाइजेशन हालांकि बहुत सारे लोग ये कहते भी हैं कि बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन बहुत ज्यादा जिस तरीके की वैक्सीन्स मार्केट में ला रहे हैं उससे फायदे कम होते हैं नुकसान ज्यादा होते हैं यह निमोनिया के लिए बहुत सारी वैक्सीन डेवलप कर सके एक मैं डिटेल्स अभी सुन लीजिए लिखिए मत अल कवर इट लेटर ऑन फॉर एग्जाम्पल पेंटावेलेंट वैक्सीन ये लेके आए हैं एक वैक्सीन जो कि बच्चों को दी जाती है निमोनिया के ही खतरनाक प्रारूप को हैंडल करने के लिए न्यूमोकोकल जुकेट वैक्सीन पीसीवी उसको यह डेवलप कर चुके हैं गावी इसके प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं तो इस पर एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि गावी एक संस्था है क्या इसका मेन काम क्या है एक और इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट जो की कार्य कर रहा है आप इसकी हेडलाइन तो फुल फॉर्म आप गूगल पर देख लीजिएगा सेपी कोयलेशन संगठन है कोयलेशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर इनोवेशन ये डावोस में स्थित एक संस्था है 2017 में सामने आई है इसको भी बिल और मेलिंडा गेट्स सपोर्ट करता है फाउंडेशन सपोर्ट करता है और यह जो संस्था है यह भी दुनिया की कई सारी छोटी संस्थाओं के साथ मिलकर इस महामारी को हैंडल करने के लिए वैक्सीन प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रयास कर रही है तो यहां से क्वेश्चन बनाया जा सकता है थोड़ा इंडिया की बात कर लेते हैं आ, भारत में कौन कौन से संस्थान इससे जुड़े हुए हैं जो कि चर्चा में रहे स्टूडेंट ऑफ कोर्स इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च प्लस पुणे का सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी प्लस नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एनसीडीसी सीडीसी मत लिखना सीडीसी अमेरिका का है एनसीडीसी नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल आईसीएमआर एनआईवी एक कार्यक्रम भारत जो चलाता है आ, मैं इनकी विस्तार में जानकारियां आपको वेलफेयर स्कीम्स या फिर हेल्थ वाले टॉपिक्स में जरूर शेयर कर लूंगा इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलांस प्रोग्राम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल कोई भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्वेश्चन क्यों बनाया ये ऑर्गेनाइजेशन तो कई साल से बने हुए क्वेश्चन इसलिए बनाया क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन कोविड 19 सर, आ, के लिए कार्य कर रहे हैं उसको हैंडल करने के लिए कार्य कर रहे हैं तो क्वेश्चन किससे रिलेटेड है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं है मूल स्त्रोत क्या है मूल स्रोत कोविड नाइनटीन है यहां पर चीजें बनाई जा सकती हैं साथ ही साथ और क्या पूछा जा सकता है स्टूडेंट कोविड नाइनटीन से रिलेटेड ऑफकोर्स एक अधिनियम जिसके अंतर्गत लॉकडाउन लगाए गए एपिडेमिक डिजीज एक्ट अठारह इस पर संशोधन भी किया गया है अभी uh, सरकार ने अध्यादेश लाया इस पर एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 ये चर्चा में है साथ ही साथ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट डीएमए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट या फिर एक पॉलिसी 2019 में जो चर्चा में रही नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान एनडीएमपी 2019 इन पर एक क्वेश्चन जनरेट किया जा सकता है या जनरेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं तो आप इमेजिन करिए स्टूडेंट एक अकेले कोविड के विषय पर पिछले सवा घंटे में मैंने आपको केवल कोविड के बारे में बताया है कि कोविड से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कोविड से रिलेटेड साइंस के क्वेश्चन बन सकते हैं कोविड से रिलेटेड इंटरनेशनल रिलेशन के ऑर्गेनाइजेशनल क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन से इंस्टीट्यूशन इस पर कार्य कर रहे हैं कोविड से रिलेटेड नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी का एक क्वेश्चन बन सकता है कि वायरस की एनाटॉमी क्या होती है हमारा इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है एंटीबॉडी क्या होती है एंटीजन क्या होते हैं कोविड से रिलेटेड कई प्रकार के जो टेस्ट चर्चा में उन पर क्वेश्चन बनाया जा सकता है कोविड से रिलेटेड कई प्रकार के जो ड्रग्स है जैसे रेसिप्रोकल ड्रग्स कहते हैं जो कि पहले कभी किसी अन्य रोग के लिए लाभकारी रही हो उनका एक्सपेरिमेंट कहां कहां पर हो रहा है कौन कौन से ट्रायल चलाए जा रहे हैं ये करंट अफेयर्स के प्रिपरेशन करने का तरीका है अगर आप इस पर कंफर्टेबल हैं ये बहुत बोरिंग और ये बहुत ही तका देने वाली एक्सरसाइज है दिमाग ड्रेन हो जाता है मेरा पढ़ा के ड्रेन हो गया Uh, यह काफी थका देने वाली एक्सरसाइज है लेकिन अगर आप ये कर रहे हैं वेल एंड गुड अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो फिर हु नोस तो इसमें किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर कुछ बना लिया जाए कि स्पेसिफिक क्वेश्चन बना लिया जाए तो हमारे लिए वो हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर आप कंप्लेन मत करिएगा कि मैं तो कोविड के बारे में कितनी सारी जानकारी इकट्ठे करके गया था अगर स्तर ये नहीं होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपनी पूरी क्लासेस में इस स्तर को बनाए रखू इसी तरीके से सभी टॉपिक को पढ़ेंगे जो भी टॉपिक चर्चा में रहे उसको देखेंगे उससे रिलेटेड जो अंतर संबंधित विषय उसको देख लेंगे तो इस तरीके से हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे तो आपको पता चल गया होगा कि प्रत्यक्ष जानकारियों से अप्रत्यक्ष चीजों को एकत्रित करना पढ़ाई करने का मतलब यह नहीं है कि आपने एक टॉपिक को कहीं लिखा है एक टॉपिक को कहीं लिखा दोनों कोरिलेटेड है कोरिलेटेड अंतर संबंधित कोर टॉपिक एक ही जगह आनी चाहिए अगर वो आते हैं तब आपकी प्रिपरेशन ठीक है चलिए तो अब हम अपनी क्लासेस में मैंने आपको बता दिया कि पढ़ना है कैसे टॉपिक को कैसे कनेक्ट करना है तो चलिए पहले टॉपिक की स्टार्टिंग कर देते हैं पहला मतलब पहला एरिया जो कि अभी हम करीबन आठ दस दिन चलाएंगे उसकी हम स्टार्टिंग कर देते हैं तो स्टूडेंट एक हेडलाइन आप लोग लिख लो ये हम करीबन आठ दस दिन इसे रन करेंगे कोशिश करूंगा कि सभी एरियाज कवर हो जाए इसमें माइक्रो इकोनॉमिक इश्यूज माइक्रो इकोनॉमिक इश्यूज और मुख्यतः इस माइक्रो इकोनॉमिक इश्यूज में जिन बातों का भी हम शेयर करेंगे वो बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक विनियामक नीतियों से संबंधित विषय इसलिए एक वर्ष के याद रखिए एक वर्ष का मतलब मेरा अभी जून 2020 नहीं है एक वर्ष का मेरा मतलब अप्रैल 19 से लेकर मार्च 2020 क्योंकि ये करंट अफेयर्स का पहला फेज चल रहा है दूसरा फेज पहला फेज खत्म होने के बाद स्टार्ट करेंगे और उसमें बाकी जो अब जुलाई 2020 तक के जो इश्यू हैं वो देख लेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज आरबीआई की मॉनिटरी और रेगुलेटरी पॉलिसी से संबंधित चीजों को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ये आपका पहला एरिया हो गया अब इसी एरिया के भीतर हम आ, मैं आपको पहले सारे टॉपिक्स अब मैं करीबन आठ दस टॉपिक इकट्ठे शेयर करूंगा इसके अंतर्गत आज के सेशन में तो ये हमारा आठ दस दिन चलेगा उसका पहला टॉपिक आरबीआई की मॉनिटरी रेगुलेटरी पॉलिसी ये आज और कल में हम फिनिश कर लेंगे आ, ये हेडलाइन लिख लीजिए क्योंकि तो हेडलाइन लिखने के बाद आपको एक क्लैरिटी रहेगी कि पढ़ने क्या वाले हैं रेपो ऑपरेशन फिक्स रेट वेरिएबल रेट ट्राई पार्टी टी एल टी आर और मैं यहां नीचे लिखूंगा पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम ये सारे टॉपिक मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं सारे टॉपिक एक दूसरे से कोरिलेटेड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रेपो ऑपरेशन याद रखिए मैं रेपो रेट नहीं पढ़ाने वाला वो तो आपको ऑलरेडी पता होगा और वो भी नहीं पढ़ाने वाला मैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी वो सब पढ़ा हुआ है तुमने मैं एक, एक चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूं इस इस पूरे साल इस शब्द की बहुत धूम रही एल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन तो आपको पता होना चाहिए ना कि रेपो ऑपरेशन क्या होते हैं अगर आपको पता चल जाए कि रेपो ऑपरेशन क्या होते हैं तो लॉन्ग टर्म ही तो ऐड करना है उसमें टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन ऑपरेशन टेस्ट यह भी चर्चा में रहा है खास करके दिसंबर के महीने में, में और अभी फिर से आया है पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम निर्मला सीतारामन के बजट में हुई घोषणा पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम टीएलटीआरओ एलटीआरओ और रेपो ऑपरेशन या सरल शब्दों में स्टूडेंट भारत के रेपो मार्केट का अध्ययन रेपो रेट नहीं पॉलिसी रेपो रेट नहीं वो तो आपको पता है भारत में रेपो मार्केट कैसे काम करता है उसी रेपो मार्केट में एक नया चैप्टर ऐड किया है शक्तिकांत दास साहब ने जिसकी बहुत प्रशंसा भी हुई है एल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन तो ये होता क्या है इसकी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो चलिए इन सारे विषयों को देख लेते हैं एक एक करके सबको समझ लेते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टूडेंट uh, टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को टॉपिक में जो ट्रेडिशनल टॉपिक है देखिए ये क्लासेस उनके लिए ही बेनिफिशियल है जो बेसिकली बेसिक कर चुके हैं एडवांस लेवल नहीं लेकिन एटलीस्ट बेसिक चीजें उन्हें पता होनी चाहिए अगर आपको रेपो मार्क रेपो रेट ही नहीं पता होगा तब फिर मेरे लिए ये टॉपिक समझाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और आप मुझसे ये उम्मीद मत लगाइए कि आपकी बेसिक इकॉनॉमी में आपको पढ़ाऊंगा या ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मैं करंट अफेयर्स के लिए आया हूँ ट्रेडिशनल टॉपिक आपको पता होने चाहिए बीच बीच में कुछ इनपुट जरूर शेयर करूंगा लेकिन अगर पता हो तो बेहतर है Uh, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पूरी दुनिया में बहुत फेमस है ये रेपो मार्केट लेकिन भारत में बड़े फेमस नहीं है, है फेमस लेकिन उतने नहीं जितने अमेरिका में है तो रेपो मार्केट होता क्या है और रेपो मार्केट क्यों जरूरी होते हैं तो इसका पहले बैकग्राउंड समझ लीजिए स्टूडेंट आपको पता होगा कि कोविड 19 से पहले ही भारत में एक अभूतपूर्व तरलता संकट हम देख रहे हैं लिक्विडिटी क्राइसिस देख रहे हैं वी आर सफरिंग फ्रॉम अ लिक्विडिटी क्राइसिस हमारे यहां तरलता का एक संकट है और यह जो तरलता का संकट है इसे आजकल कुछ जानकार कहते हैं फोर बैलेंस शीट प्रॉब्लम आपने अपनी इकोनॉमी की पढ़ाई में सुना होगा ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम अब बात आ रही है फोर बैलेंस शीट प्रॉब्लम की अब ये फोर बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या है फोर बैलेंस शीट प्रॉब्लम का मतलब है हमारे बैंकों की बैलेंस शीट खराब है हमारे कॉरपोरेट सेक्टर की बैलेंस शीट खराब है बैंकों की बैलेंस शीट खराब होने की वजह से बैंकों के माध्यम से कॉरपोरेट्स को नए लोन नहीं मिल रहे एन को नहीं मिल रहे इनकी बैलेंस शीट खराब हो रही है और इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो रहा है वो नीचे जाकर हमारे सूक्ष्म उद्योगों को भी प्रभावित कर रहा है हमारे माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज की बैलेंस शीट भी खराब हो चली है तो हमारे कंट्री में एक क्राइसिस चल रहा है फोर बैलेंस शीट प्रॉब्लम अब बेसिकली ये जो फोर बैलेंस शीट प्रॉब्लम है इस फोर बैलेंस शीट प्रॉब्लम ने अर्थव्यवस्था को चलायमान रखने के लिए सभी प्रकार की फाइनेंशियल एजेंसीज को कवर कर लिया बैंक हो गए एनबीएफसी हो गए और हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को भी कवर कर लिया कॉरपोरेट और एमएसएमई तो बचा क्या जबकि बैंकों को पिछले चार पांच वर्ष में भारत सरकार बहुत बड़ी मात्रा में रिकैपिटलाइजेशन कर चुकी है पुनः पूंजीकरण कर चुकी है आप सब ने अपनी अर्थव्यवस्था की क्लासेस में या अपने नोट्स में फोर आर के बारे में सुना होगा तो फोर आर में से एक आर होता है रिकैपिटलाइजेशन रिकैपिटलाइजेशन वो ऑलरेडी कर चुके हैं बहुत बड़े स्तर पर कर चुके हैं इसके बावजूद हमारे बैंकों का जो लिक्विडिटी संकट है बैंकों का और उसके नीचे कॉरपोरेट एनबीएफसी और एमएसएमई ये सी सुधारने का नाम नहीं ले रहा है या कुछ हद तक था तो इसे सुधारने के लिए एक लंबे समय से एक चली जा, चलाई जा रही थी कि क्यों ना भारत में एक नए स्तर पर रेपो मार्केट को और सशक्त किया जाए तो क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि रेपो मार्केट का बिहेवियर क्या होता है रेपो मार्केट कार्य कैसे करता है तो बैकग्राउंड याद रखिएगा रेपो मार्केट सशक्त करने की जरूरत इसलिए है ताकि भारत में तरलता के संकट को दूर किया जा सके अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तरलता के संकट को दूर करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है ओएमओ आपको पता होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार की केंद्र सरकार की या राज्य सरकारों की जो प्रतिभूतियां होती हैं उनकी जो गारंटेड सिक्योरिटी होती है उन्हें परचेस करता है और मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाता है साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी रेपो रेट को भी कम कर देता है ताकि बैंकों को सस्ती दरों पर ऋण मिल सके लेकिन आज भारत में जो रेपो रेट हो चला है रेपो रेट बेसिकली जो भारत का जो पॉलिसी रेपो रेट है उसका मुख्य उद्देश्य है मुद्रा स्फीति को ध्यान में रखते हुए रेपो रेट वेरी किया जाता है फोर प्लस माइनस टू परसेंट अब ये जो रेपो रेट है इसकी भी एक लिमिट है क्योंकि हम जापान की तरह नहीं हो सकते अभी हमारी कंट्री में कि हम नेगेटिव इंटरेस्ट रेट की तरफ आ, बढ़ने लगे हम वहां पे जीरो ए, रेपो रेट की तरफ भी नहीं जा सकते हमारे यहां इन्फ्लेशन औसतन अभी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो इन्फ्लेशन है वो चार पांच प्रतिशत के आसपास अगर मानेंगे तो उसे हैंडल करने के लिए हमारा रेपो रेट भी उसी कॉरिडोर के इर्द गिर्द होना चाहिए तो आर बेसिकली अब असहाय महसूस कर रहा है कि यार सब तो कर लिया रिकैपिटलाइजेशन सरकार ने कर दिया एल को बोल दिया कि भारत के बैंकों के बॉन्ड खरीदो उसके अंतर्गत पैसे हम देंगे तो बेसिकली रिकैपिटलाइजेशन कर रहे हैं बैंकों का असर थोड़ा बहुत चेंज आया है, लेकिन बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज नहीं आया है। और बैंकों का ये क्राइसिस कॉरपोरेट से गया एन पे गया अब एम पे चला गया कुछ हद तक इन सब चीजों की वजह से केंद्र सरकार की भी जो बैलेंस शीट है बेसिकली उनका जो फिजिकल डेफिसिट है वो बढ़ जाएगा तो इसलिए हम फोर बैलेंस शीट प्रॉब्लम की तरफ चले गए हैं अब इसे हैंडल करने के लिए आरबीआई का कहना यह है कि अब केवल हम रेपो रेट पर ध्यान नहीं देंगे अब हम और भी चीजें करेंगे और और चीज करने के लिए जो वो कार्य कर रहे हैं उसे कहते हैं रेपो मार्केट आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि रेपो मार्केट का बैकग्राउंड क्या है तरलता संकट को दूर करने का एक प्रयास है तरलता संकट भारत में फोर बैलेंस शीट का हो चुका है बैंकों के पुनः पुंजीकरण के बावजूद हो चुका है तो उसे दूर करने का एक प्रयास है रेपो मार्केट ये पूरी दुनिया में चलता है रेपो मार्केट रेपो मार्केट होता क्या है देखो भाई कोई भी चीज खरीदने और कोई भी चीज बेचने के लिए दो लोगों का होना बहुत जरूरी है एक बायर खरीदार एक सेलर बेचने वाला एक खरीदने वाला होना चाहिए एक बेचने वाला होना चाहिए अब खरीदने और बेचने वाले के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसे आप परचेज एग्रीमेंट कहेंगे समझ रहे हैं ना परचेज एग्रीमेंट कि भैया हम एक चीज आपसे हमें पैसा चाहिए हम आपको एक चीज बेच रहे हैं आप हमसे खरीद लो और आप हमें पैसा दे दो तो ये तो एग्रीमेंट हुआ लेकिन अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट हो जाए कि मैं आपको एक बॉन्ड दे रहा हूं मैं आपको एक एग्रीमेंट दे रहा हूं पंद्रह दिन के लिए आप मुझसे यह एग्रीमेंट खरीद लीजिए उसके बदले में मुझे कैश दे दीजिए आप मुझसे एग्रीमेंट कर लीजिए यह एग्रीमेंट मुझसे खरीद लीजिए उसके बदले में कैश दे दीजिए लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि पंद्रह दिन के बाद यही चीज जो मैं आपको बेच रहा हूं वो दोबारा आपसे खरीद लूंगा तो इसे रेपो मार्केट कहते हैं है। रिपीट कर रहा हूं ये जो व्यक्ति है सेलर मान लेते हैं इसके पास सरकार की प्रतिभूति है गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है गवर्नमेंट की सिक्योरिटी जिसे आप जी सेक कहते हैं ट्रेजरी बिल कहते हैं गवर्नमेंट की सिक्योरिटी क्या होती है केंद्र सरकार मार्केट से पैसा जुटाती है आपने तो पढ़ाई होगा स्टूडेंट अगर हमारे बैंक जी सेक में निवेश करते हैं तो वो एस एल आर के अंतर्गत आता है तो हमारे जो बैंक हैं बैंकों के पास जी सेक है अभी बैंक बात नहीं करते हैं। भी सेलर की बात करते हैं अभी कोई बेचने वाला है जिसके पास जी सेक है अब इस जी सेक का वो फायदा तो उठाएगा ना सरकार की प्रतिभूति है इसकी सिक्योरिटी भी है डूबेगा नहीं है क्योंकि सरकार ने ये संप्रभुत्व तो गारंटी ली है क्योंकि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है वो पांच साल का हो एक साल का हो चार साल का कितने साल का भी बॉन्ड हो तो अब इसको कैश की जरूरत है तो ये करेगा क्या यह यह इसे दे देगा और इसके बदले में यह खरीदने वाला व्यक्ति इसको क्या दे देगा भैया कैश दे देगा लेट से दस हजार रुपए दे दिए दस हजार रुपए दे दिए तो सेलर का काम हो गया सेलर को क्या मिल गया कैश मिल गया बायर को क्या मिल गया जी सेक मिल गई अब जी सेक क्या होता है यह एक तरीके की गिरवी रखी हुई चीज है जी सेक बायर को क्या फायदा होगा बायर तो अपनी जेब से कैश दे रहा है डेफिनेटली रेपो मार्केट के अंतर्गत बेसिकली इन दोनों में एक एग्रीमेंट होता है सेलर बोलेगा आप मुझसे जी सेक ले लीजिए पंद्रह दिन के लिए मुझे कैश दे दीजिए पंद्रह दिन के बाद यही जी सेक मैं आपसे दोबारा खरीद लूंगा रीपरचेस कर लूंगा दोबारा खरीद लूंगा और उसके बदले में क्योंकि आपने मुझे दस हजार रुपए दिए थे अब आप उसे दस हजार ही लौटाएंगे तो देगा ही नहीं कौन बेवकूफ होगा भाई जो तो पंद्रह दिन के लिए दस हजार रुपए दे रहा है और पंद्रह दिन बाद दस हजार ही पा रहा है तो बेसिकली सेलर बोलेगा कि मैं आपको ब्याज दूंगा उस ब्याज को बोलते हैं रेपो रेट बेसिकली रेपो रेट होता क्या है रेपो रेट बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा केंद्रीकृत बैंक के द्वारा भारतीय बैंकों को दिया गया उपलब्ध कराया गया एक ऋण है वो एक रेपो रेट है तो बेसिकली यहां पर बायर और, और सेलर के बीच में एक एग्रीमेंट नहीं होता दो एग्रीमेंट होते एक एग्रीमेंट होता है अभी खरीदने बेचने का और एक एग्रीमेंट होता है फ्यूचर में खरीदने बेचने का भविष्य में इसलिए रेपो का मतलब होता है रीपर्चेस दोबारा खरीदना रीपर्चेस ऑपरेशन मान लेते हैं मान लेते हैं अभी रेपो रेट चल रहा है पांच परसेंट लेट से मान लेते हैं लेट से की रिपोरेट चल रहा है पांच परसेंट तो भैया इनको जी जीसेको दे दिया तो एक तरीके से जी जीसे गिरवी रख दिया अब अगर सेलर गफलत करेगा गलती करेगा दिन के बाद तो यही जी जी बायर उठा के किसी तीसरी पार्टी को बेच देगा तो जीसेक इनको दिया इनको दस हजार रुपए मिले इनको पंद्रह दिन के लिए कैश मिल गया लेकिन एक एग्रीमेंट और होता है वो एग्रीमेंट होता है कि पंद्रह दिन मैं पंद्रह दिन मान के चल रहा हूं बेसिकली वो एक दिन सात दिन चौदह दिन अट्ठाइस दिन इस तरीके के एग्रीमेंट होते हैं तो यहां पर जो जो बायर है ये कैश दे देगा और सेलर बोलेगा कि पंद्रह दिन बाद यही जी सेक ये जो यहां जी सेक है मैं दोबारा आपसे ले लूंगा तो ये जी सेक दोबारा खरीद लेगा यानी कि ये जो यही सेलर है वो आगे चल के बाद में बायर बन जाएगा तो ये जो सेलर है ये जी सेक दोबारा खरीद लेगा और डेफिनेटली सेलर जी सेक खरीदेगा तो इसको क्या लौटाएगा कैश लौटाएगा कैश कितने रेट पर लौटाएगा दस हजार नहीं देगा पांच परसेंट तो दस हजार का पांच परसेंट एड कर लो दस हजार रुपये पांच परसेंट एड करके यानी कि पांच सौ रुपए पांच सौ रुपए एड करके दस हजार पांच सौ रुपए इसको दे देगा बायर को क्या फायदा हुआ बायर को पंद्रह दिन में पांच सौ रुपए की कमाई हो गई सेलर को क्या फायदा हो गया सेलर को कैश की जरूरत थी तो वो कैश मिल गया उसको पंद्रह दिन के लिए कैश मिल गया तो उसका काम बन गया भाई उसे अपनी कंपनी चलानी उसे काम मिल गया अब यहां पर आप इसको रेपो मार्केट कहते हैं यह पूरी दुनिया का सबसे फेमस रेपो मार्केट है अब मैंने आपको क्या लिखा स्टूडेंट ये जीसेक है इस जीसेक की जगह कॉरपोरेट बॉन्ड भी आ सकते हैं डिबेंचर भी हो सकता है भारत के साथ दिक्कत क्या है स्टूडेंट भारत के रेपो रेट रेपो मार्केट में खरीद फरोख्त ज्यादातर नब्बे प्रतिशत सरकारी प्रतिभूतियों की होती है उसमें कॉर्पोरेट बॉन्ड की खरीद फरोख्त इस तरीके से नहीं होती है अल्पकालिक समय के लिए जबकि 2010 में आरबीआई ने रेपो मार्केट में कॉरपोरेट बॉन्ड को भी अलाउड कर दिया है लेकिन आरबीआई खुद नहीं खरीदता भारतीय कंपनियों की बॉन्ड को खुद ट्रस्ट नहीं है आरबीआई को भारतीय कंपनियों के बॉन्ड पे तो इसलिए है क्या ज्यादातर लोग जीसेक ही खरीदते हैं अब हर कोई जीसेक में निवेश नहीं करता है उसका कारण है सरकार की प्रतिभूति में तुम्हें ब्याज मिलेगा छह से सात परसेंट और वही तुम अगर अभी बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी का बॉन्ड खरीदोगे उस पर ब्याज मिलेगा आठ से नौ बजाज फाइनेंस अच्छी कंपनी है तो बहुत सारी कंपनी बजाज फाइनेंस में इन्वेस्ट करेंगी जी सेक में इन्वेस्ट नहीं करेंगी हमारे बैंक तो झक मारके जी सेक में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वो एस एल आर के अंतर्गत आता है उन्हें करना पड़ता है तो इसलिए स्टूडेंट इस ये रेपो मार्केट है रेपो मार्केट का मतलब क्या होता है रीपरचेस ऑपरेशन दोबारा खरीद लेने का प्रॉमिस इसको हम रिपर्चेस ऑपरेशन कहते हैं इसको यहां पर आप थोड़ी चीजें और संगठित कर देते हैं यहां सेलर का मतलब है बैंक और यहां बाहर का मतलब है आरबीआई तो बैंक आरबीआई को जी सेक देते हैं गिरवी रखते हैं दस हजार रुपए उठाते हैं दस हजार रुपए उठाने के बाद पंद्रह दिन के, के लिए प्रॉमिस करते हैं कि यही जी सेक हम आपसे दोबारा खरीद लेंगे दस हजार नहीं दस हजार पे जो भी रेपो रेट चल रहा होगा उसको ऐड करके खरीदेंगे तो पांच सौ रुपए करके तो इस तरीके से रेपो मार्केट काम करता है अब स्टूडेंट ये जो रेपो मार्केट है उससे संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं उन्हीं को दूर करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ स्टेप्स लिए हैं तो मैंने आप लोगों को रेपो मार्केट समझा दिया रिपर्चेस एग्रीमेंट रिपर्चेस ऑपरेशन ये समझा दिया रेपो रेट तो आप जानते हैं क्या होता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट तो आपको पता ही होगा आ, कुछ जरूरी बातें शेयर कर लेते हैं आ, थोड़ा इसी के बारे में व्हाट इज रेपो मार्केट बेसिकली रेपो मार्केट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म छोटी अवधि के लिए को लेटरलाइज कोलेट्रलाइज को का मतलब गिरवी रखना शॉर्ट टर्म को लोन मार्केट पहला पॉइंट अब ये याद रखना इन पे क्वेश्चन बन सकते हैं व्हाट uh, इज रेपो मार्केट यह एक शॉर्ट टर्म छोटी अवधि का एक कोलेटरलाइज्ड लोन मार्केट है एक तरीके का लोन बाजार ही है लोन मार्केट है जिसमें आप कोलेट्रल रखते हैं कोलेट्रल बैंक रखते हैं कोलेट्रल के रूप में किसे रखते हैं कोलेट्रल के रूप में जी सेक रखते हैं कौन रखता है बैंक किसको देते हैं आरबीआई आरबीआई को क्या मिलता है ब्याज ब्याज कौन सा मिलता है रेपोरेट शॉर्ट टर्म कोलेट्रलाइज लोन मार्केट जी सेक इसका दूसरा फायदा क्या होता होगा स्टूडेंट इसका दूसरा फायदा होता होगा कि बैंक की लिक्विडिटी बढ़ जाएगी बैंक को कैश की जरूरत है बैंक की लिक्विडिटी बढ़ जाएगी अच्छा है लिक्विडिटी बढ़ जाएगी तो नए प्रकार के लोन्स मार्केट में और देखने मिलेंगे बैंक अपने ग्राहकों को और लोन बांटने की कोशिश करेगी तो लिक्विडिटी बढ़ाने का एक तरीका है यह दूसरा पॉइंट है तीसरा पॉइंट लिख लीजिए तीसरा बिंदु लिख लीजिए वो मैं डिक्टेट कर रहा हूं बोर्ड पर नहीं रहा हूं वो लिख लीजिए आप रेपो मार्केट के अंतर्गत रेपो मार्केट के अंतर्गत एक वित्तीय संस्थान एक वित्तीय संस्थान मुख्यतः एक वित्तीय संस्थान मुख्यतः बैंक अपनी अल्पकालिक नगद आवश्यकता को अपनी अल्पकालिक नगद आवश्यकता को दूर कर सकता है दूर कर सकता है वह भी केवल सस्ती दरों पर वह भी केवल सस्ती दरों पर तो स्टूडेंट रेपो मार्केट की फायदे क्या हैं रेपो मार्केट की फायदे यह कि हमारे बैंकों की तरलता संकट दूर हो सकती है सस्ती दरों पर इसका क्या मतलब है भाई सीधी सी बातें रेपो रेट पांच परसेंट चल रहा है मान लेते हैं शायद चार है अभी आई गेस वो देख लेना आप आरबीआई की साइड पर फोर परसेंट चल रहा है अभी रेपो रेट फोर परसेंट है और रिवर्स रेपो रेट शायद थ्री पॉइंट थ्री फाइव है वो आप क्रॉस चेक कर लेना आ, तो देखो भाई रेपो रेट पांच परसेंट मान लेते हैं चलो चार मान लेते हैं तो बैंकों को आरबीआई से चार परसेंट में कर्जा मिल जा रहा है जी सक बस रखना है यही मार्केट में अगर पाँच सौ करोड़ रुपए जुटाने जाएंगे तो आठ आठ परसेंट में मिलेगा बहुत ज्यादा में मिलेगा तो बैंकों को छोटी अवधि के लिए पैसा अगर चाहिए है तो आरबीआई के माध्यम से रेपो मार्केट का सहारा लेते हुए वो बेसिकली छोटी अवधि का पैसा सस्ती दरों पर इकट्ठा कर सकते हैं जो कि मार्केट में बहुत ज्यादा है एक चीज और याद रखिएगा। तीसरा बिंदु रेपो मार्केट की डिमांड तब तब बढ़ेगी जब जब मार्केट में कैश की डिमांड बढ़ेगी अगर बैंकों को कैश की बहुत जरूरत है अब कैश की जरूरत बैंकों को दो तरीके से ही पड़ेगी या तो वो कंगाल हो रहे हो या तो वह बैंक की तरफ बढ़ रहे हो उनके पास नई एसेट्स नहीं है उनकी एसेट्स एनपीएस जा रही है तब उनको जरूरत है या इकोनॉमी में बहुत बड़ा बूम आ गया है हमारी इकोनॉमी में बूम तो है नहीं अभी पिछले छह सात सालों से तो हमारे एनपीए के संकट के चलते कैश का क्राइसिस है तो जब जब कैश की डिमांड बढ़ेगी रेपो मार्केट और मजबूत होने की कोशिश की जाएगी अब भारत के रेपो मार्केट में समस्या क्या स्टूडेंट आप लोग देखो आप लोग खुद मुझे बताओ जो बातें मैंने अब तक आपके साथ शेयर की है इस रेपो मार्केट के अंतर्गत ज्यादा बड़ा फायदा किसको मिल रहा होगा बैंकों को मिल रहा है या कंपनियों को मिल रहा है डेफिनेटली बैंकों को मिल रहा है क्योंकि बैंक खरीदते हैं जी सेक कंपनियां नहीं खरीदती जी सेक बैंक तो खरीदते हैं क्योंकि मजबूरी है एस की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है तो बैंक तो खरीदते हैं जी सेक हमारी जो कंपनियां है वो तो नहीं खरीदती तो भारत में ये कंप्लेन की जा रही है बहुत लंबे समय से कि भारत का रेपो मार्केट जो है वो बेसिकली केवल बैंक और आरबीआई तक सीमित है भारत का रेपो मार्केट दो अलग अलग वित्तीय संस्थानों के बीच में या एक किसी अन्य कंपनी और वित्तीय संस्थान के बीच में है ही नहीं इसे डेवलप करने की जरूरत है इसी को दूर करने के लिए शक्तिकांत दास साहब ने एल और टीएलटीआर लेके आए हैं एक और चीज ये जो रेपो मार्केट है स्टूडेंट इस रेपो मार्केट का बहुत बड़ा फायदा हमारे बैंक्स को मिल रहा है लेकिन इस बहुत बड़े फायदा एन को और सूक्ष्म वित्त संस्थानों को नहीं मिल रहा आई एल रिपीट रेपो मार्केट का फायदा बैंकों को मिल रहा है लेकिन एनबीएफसी और एम को नहीं मिल रहा है एमएफआई और एनबीएफसी नहीं खरीदते जी सेक कम ब्याज है नहीं खरीदते बैंकों की मजबूरी है इसलिए खरीदते हैं तो बैंकों को तो मिल रहा है रेपो मार्केट का फायदा एनबीएफसी और एमएफआई को नहीं मिल रहा है तो इसी को दूर करने के लिए रेपो मार्केट को और विस्तार प्रदान करने की चर्चा पिछले बहुत लंबे समय से हो रही है आ, तो मैंने आपको रेपो रेट के कुछ चीजें बता दी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी कैश की बातें और बैंकों को फायदा एक विषय और देखिए आप लोग मुझे खुद समझाइए स्टूडेंट क्या रेपो मार्केट में खरीद फरोख्त खरीदना और बेचना केवल जीसेक का होना चाहिए या कुछ अच्छी कंपनियों के बॉन्ड भी होने चाहिए डेफिनेटली स्टूडेंट रेपो मार्केट केवल जीसेक तक सीमित नहीं होना चाहिए रेपो मार्केट कारपोरेट बॉन्ड के लिए भी होना चाहिए अगर तुम्हें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस का बॉन्ड अगर कोई बैंक खरीदना चाहता है या टीसीएस का बॉन्ड आरबीआई खरीदना चाहता है तो टीसीएस के बॉन्ड की डिमांड अगर आरबीआई करेगा तो डेफिनेटली बैंकों से खरीदने लगेंगे बैंक खरीदेंगे क्योंकि तो उन्हें पता है कि आरबीआई ने आजकल टीसीएस के बॉन्ड को अप्रूवल दे दिया है टीसीएस के बॉन्ड को भी रेपो मार्केट में शामिल कर लिया है तो हम पंद्रह दिन के लिए टीसीएस का बॉन्ड रखवा देंगे आरबीआई के पास उसके एवेज में हमें कुछ कैश मिल जाएगा और सबसे बड़ी बात यह है रेपो रेट केवल चार परसेंट का है करना पड़ा मजबूरी है लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए रेपो रेट कम करना पड़ा मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए और दूसरी बात है कॉर्पोरेट बॉन्ड अगर चार परसेंट पे जारी होगा तो कोई खरीदने तक नहीं आएगा इससे ज्यादा तो एफडी में मिल जाएगा तो यहां पे प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट रेपो मार्केट जो है हमारा उसमें जी सेक की खरीद फरोख ज्यादा है और कॉरपोरेट बॉन्ड की खरीद फरोख्त हो जरूर रही है आरबीआई ने दो से अलाउड किया हुआ है कि कॉरपोरेट बॉन्ड और डिबेंचर डिबेंचर मतलब ऋणपत्र उनकी खरीद फरोख भी आप कर सकते हो लेकिन इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा कोई तो इसलिए दो साल पहले कमेटी बनाई गई थी एच आर खान कमेटी कॉर्पोरेट बॉन्ड को आगे बढ़ाने के लिए और उन्होंने यही सजेस्ट किया था बहुत सरल शब्दों में रेपो मार्केट सरकारी प्रतिभूति तक सीमित ना रहे रेपो मार्केट को भारत के कॉरपोरेट बॉन्ड सेक्टर के लिए भी और स्थायी किया जाए और मजबूत किया जाए तो यह जो पक्ष है रेपो मार्केट की डिबेट्स हैं इन पर जुड़े हुए सारी चीजें सामने आ रही हैं एक और चीज लास्ट पॉइंट फिर हम और डिटेल्स देखेंगे अब स्टूडेंट अभी आपने देखा ना कि रेपो मार्केट के जो दौर है वो बैंकों के लिए खुले हुए हैं एनबीएफसीज और एमएफआई के लिए दौर नहीं खुले हैं तो हमारे जो एनबीएफसीज हैं हमारी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है उनका लगातार क्या हो रहा है उनका लगातार हो रहा है एसेट लाइबिलिटी मिसमैच आई होप आपने ये शब्द जरूर पढ़ा होगा और भैया जो सीरियस स्टूडेंट है जिन्होंने मेरे साथ कभी पीछे क्लासेस करी हैं उनको तो मैं कई बार बता चुका हूँ परिसंपत्ति और देनदारियों का मिसमैच हो चुका है एनबीएफसी की तरलता का संकट दूर नहीं हो रहा है तो एनबीएफसी की परिसंपत्ति क्या हो रही है कम हो रही है और देनदारियां क्या हो रही हैं बढ़ रही हैं हमारे बैंकों को चार परसेंट पर फायदा मिल रहा है रेपो मार्केट का लेकिन हमारे एनबीएफसी को वो फायदा नहीं है तो एनबीएफसी को धन तो जुटाना होगा तो स्टूडेंट एनबीएफसी क्या करते हैं एनबीएफसी बहुत महंगी दरों पर छोटी अवधि का पैसा जुटाने का प्रयास करते हैं जिसको कहते हैं कमर्शियल पेपर कमर्शियल पेपर क्या होते हैं थोड़ी देर में बताएंगे आपको अभी आप केवल लिख के छोड़ दें अभी थोड़ी देर में बताएंगे कमर्शियल पेपर क्या होते हैं तो एनबीएफसी के पास साधन क्या है वो रेपो मार्केट की सहूलियत नहीं उठा पा रहे हैं तो एनबीएफसी बहुत बड़ी मात्रा में कमर्शियल पेपर आप ऐसे समझ लो कि आपने छः महीने तीन महीने एक साल की अपनी नगद की रिक्वायरमेंट के लिए बहुत बड़ी दरों पर पैसा जुटाया है बड़ी दरों पर पैसा जुटाया है अगर नौ परसेंट पर जुटाया है तो ग्यारह परसेंट कमाना भी पड़ेगा जो कि संभव नहीं हो रहा है अब आपने नौ परसेंट पर पैसा जुटाया है आप केवल छः परसेंट ही कमा पा रहे हैं तो तीन परसेंट आप घाटे में हैं तीन परसेंट घाटे में मतलब क्या है आपने जो पैसा जुटाया वो एसेट है वो परिसंपत्ति है लेकिन उस पर जो ब्याज देना है वो आगे चलकर ब्याज और जो मूलधन लौटाना है वो लाइबिलिटी है तो आपकी एसेट नौ परसेंट पे बनी है 6% पे बन रही है आपने जो पैसा जुटाया है वो बेसिकली वर्तमान में आपकी अभी परिसंपत्ति है लेकिन भविष्य की लाइबिलिटी है तो आपने मान लेते हैं नौ परसेंट पर पैसा जुटाया दस परसेंट पे पैसा जुटाया लेकिन उस पैसे जुटाने पर आप नई परिसंपत्ति केवल छसेंट जनरेट कर पा रहे हैं दस रुपए मार्केट से लेके आए और छह रुपए ही कमा पाए तो चार परसेंट का गैप है उसकी भरपाई तो करनी है और जब वो भरपाई नहीं हो पाती तो उसे मिसमैच कहते हैं इसे कहते हैं एएलएम संकट तो भारत की एनबीएफसी का एक ही संकट है वो एएलएम संकट से गुजर रही है इसलिए लाइन से भारत की जितनी एनबीएफसी बी है उनकी बैलेंस शीट देख लीजिए सब घाटे में जा रही है और वो किस पे कंप्लेन करती है वो बोलती है बैंक सस्ती दरों पर नहीं देते और वो कहती हैं कि हमारे जो बैंक हैं उन्हें तो रेपो मार्केट का फायदा मिलता है हमें नहीं मिलता फायदा तो इसलिए कहा जा रहा है भारत के बैंकों में भारत के रेपो बाजार को और संगठित किया जाए ताकि रेपो बाजार का फायदा केवल बैंकों तक सीमित ना रहे वो एनबीएफसी और सूक्ष्म वित्त संस्थानों की तरफ भी जाए तो ये सारी प्रॉब्लम रही है स्टूडेंट हमारे यहां रेपो मार्केट के को देखते हुए एक और चीज अगर रेपो मार्केट बहुत अच्छा होगा इफ वी हैव अ वेरी गुड रेपो मार्केट इफ वी हैव अ वेरी कंसोलिडेटेड रेपो मार्केट अगर हमारे यहां बहुत सॉलिड रेपो मार्केट होगा उसका फायदा बैंक भी उठा रहे हैं एनबीएफसी भी उठा रहे हैं हमारे यहां छोटे संस्थान भी उठा रहे हैं अच्छे रेपो मार्केट का फायदा तो उसका बड़ा पैरामीटर क्या होगा स्टूडेंट भारत में कैश ईजली अवेलेबल होगा जो कैश की सप्लाई है जो मनी सप्लाई है जो कैश की सप्लाई है वो ईजिली अवेलेबल हो जाएगी या दूसरे शब्दों में अगर अच्छा रेपो मार्केट है तो अच्छी कंपनियों के जो बॉन्ड हैं जो ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड है अच्छी साख वाले बॉन्ड हैं उनकी पूछ परख बढ़ जाएगी बॉन्ड बाजार सशक्त हो जाएगा बॉन्ड बाजार ही अर्थव्यवस्था को चलाने की एक पोटेंशियल रखते हैं भारत में बॉन्ड बाज़ार सशक्त नहीं है जबकि चाइना के बाज़ारों में अमेरिका के बाज़ारों में बहुत बड़ी मात्रा में बॉन्ड बाज़ार वहाँ का बहुत ही संगठित है और इसी वजह से वहाँ का अगर स्टॉक मार्केट अगर क्रैश कर जाता है या फिर वहाँ पर जो फेडरल बैंक है वो अपने वहाँ का जो फेड रेट है या वहाँ का जो बैंक रेट है उस पर अगर वो कुछ कमी भी लाते हैं तो उसका उतना प्रतिकूल असर नहीं देखने मिलता क्योंकि वहां पर रेपो मार्केट के थ्रू धन जुटाने की सुविधा बहुत अच्छे से उपलब्ध है इसलिए दुनिया का सबसे प्रसिद्ध रेपो मार्केट अमेरिका का मार्केट है और इसलिए कैश का आवागमन हमेशा बना रहता है कैश की सप्लाई हमेशा बनी रहेगी स्टूडेंट अगर कैश की सप्लाई हमेशा बनी रहेगी बॉन्ड मार्केट बहुत अच्छा रहेगा तो इसलिए मेरे और आप जैसे लोगों को निवेशकों को बॉन्ड में निवेश करने का मौका भी मिलेगा मैं किसी अच्छी कंपनी का बॉन्ड खरीदता हूं और उस बॉन्ड को वो मार्केट में जाके बेचने की अगर क्षमता रखता हूं तो ये तो तभी होगा ना कि उसका मार्केट भी होना चाहिए वो दुकान भी तो होनी चाहिए कि मैं वहां पे जाके उसका बॉन्ड बेच सकूं तो इसलिए अच्छे रेपो मार्केट की आवश्यकता है भारत हमारे यहां रेपो मार्केट है लेकिन हमारे यहां रेपो मार्केट आरबीआई और बैंक तक ही सीमित है जहां सरकारी प्रतिभूतियों का लेना देना होता है जहां कॉरपोरेट बॉन्ड्स का लेना देना है लेकिन केवल नाम मात्र को तो इन सब को दूर करने के लिए एक जो नई व्यवस्था सामने आ रही है कि हमारे यहां एल टी आर ओ चलाने की कोशिश कर रहे हैं शक्तिकांत दास साहब एक बहुत ही अच्छा कदम एक चीज और ये जो रेपो मार्केट होते हैं स्टूडेंट ये दो टाइप के रेपो मार्केट में जो दो टाइप की सुविधा होती है एक होता है ओवरनाइट रेपो और एक होता है टर्म रेपो ओवरनाइट नाइट ट्रिपो लिख लीजिएगा एक होता है ओवरनाइट नाइट रिपो एक दिन के लिए पैसा एक दिन की जरूरत ओवरनाइट आज लिया कल वापस कर दिया ओवरनाइट नाइट ट्रिपो ओवरनाइट ट्रिपो मैंने बता दिया ना रेपो मतलब रिपर्चेस दोबारा खरीद लेने का प्रॉमिस तो एक दिन का आज आज अब जी से उनको दीजिए कल दोबारा उन्हीं से खरीद लीजिए और बीच का ब्याज रेपो रेट के स्तर पर दे दीजिए एक दिन का जो भी बनता हो तो ओवरनाइट रेपो और टर्म रेपो टर्म रेपो क्या होता है टर्म रेपो में बेसिकली ये एक दिन के लिए और टर्म रेपो में सात चौदह और अट्ठाइस दिन के लिए यहां पर एक चीज समझो सात चौदह और अट्ठाइस दिन के लिए पैसा बैंक ही जुटा सकते हैं इतना कम समय सात चौदह और अट्ठाइस और एक दिन के लिए लेकिन लंबी अवधि के लिए सुविधा उपलब्ध नहीं होती बैंक और बैंकों का जो एनपीए संकट चल रहा है तो वो एक बहुत लंबे समय से कंप्लेन कर रहे थे कि ये जो रेपो मार्केट है जिसके अंतर्गत रेपो रेट को ध्यान में रखते हुए हम सरकार से या हम बैंक से ये उम्मीद लगाते हैं कि बैंक का हमको कैश दे दे लेकिन वो कैश अब तक दो चीजों के लिए उपलब्ध है एक एक दिन के लिए या सात चौदह और अट्ठाईस दिन के लिए आपने लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में पढ़ा होगा ये एल में तो ये सात चौदह और अट्ठाइस दिन के लिए उपलब्ध है और एक दिन के लिए अब बैंकों का एनपीए संकट थोड़ा बढ़ा हुआ है उन्हें कैश की ज्यादा जरूरत है तो वो डिमांड कर रहे थे कि माई बाप शक्तिकांत दास साहब आप यह जो सुविधा है यह 28 दिनों से और बढ़ा दीजिए तो इसलिए आरबीआई ने एक स्टेप लेके आया है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन रेपो ऑपरेशन दोबारा खरीद लेने का प्रॉमिस उसका मार्केट लेकिन प्रॉमिस सात चौदह और अट्ठाइस दिन का नहीं हम आपको लॉन्ग टर्म के लिए दे रहे हैं पैसा लॉन्ग टर्म पैसा है तो उसका इस्तेमाल ठीक तरीके से किया जा सकता है तो वो एल शब्द अब चर्चा में आया है उसको भी हम देखते हैं और डिटेल्स देखते हैं इसको समझ लीजिए तो ओवरनाइट रेपो होता है एक टर्म रेपो होता है अब जब हमने ओवरनाइट रेपो और टर्म रेपो की बात कर ली तो उसके बाद मैं इस चीज को शेयर कर लेता हूं आई होप आपको अब तक चीजें समझ में आ गई होंगी आप लोग रेपो रेट का मतलब जानते हैं रेपो रेट का मतलब जिस दर पर बैंक लोन उठाते हैं या फिर आर बैंकों को लोन देता है कैश देता है जिस दर पर और उसके एवरेज में जो सरकारी प्रतिभूति है वो रख लेता है रिवर्स रेपो रेट क्या होता है रिवर्स रेट में जब बैंकों के पास एक्स्ट्रा कैश डला हुआ है तो वो एक्स्ट्रा कैश पे ब्याज लेने के लिए हम चले जाते हैं आरबीआई के पास अभी इतना बड़ा लिक्विडिटी क्राइसिस चल रहा है भारत में तो बैंकों को रिवर्स रेपो रेट का तो वो फायदा ज्यादा उठा ही नहीं पा रहे रिवर्स रेपो रेट तो ठंडे बस्ते में डला हुआ है तो रेपो रेट क्या होते हैं ये पत, ये पता है आपको रिवर्स रेपो रेट पता है रेपो मार्केट मैंने आपने मैंने आपको बता दिया खरीदने और बेचने का प्रॉमिस आज भी और फ्यूचर में दोबारा खरीद लेने का प्रॉमिस भी मैंने आपको उसके फायदे गिना दिए अगर रेपो मार्केट अच्छा होगा तो कैश की सप्लाई बढ़ जाएगी लिक्विडिटी अच्छी हो जाएगी अगर रेपो मार्केट अच्छा होगा और केवल सरकारी प्रतिभूति नहीं बॉन्ड मार्केट में भी अच्छा होगा तो उसके फायदे देखने मिलेंगे छोटी कंपनियों को देखने मिलेंगे एनबीएफसी की तरलता का संकट दूर हो जाएगा मैंने आपको यह भी बता दिया कि जो रेपो मार्केट है वो बेसिकली ओवरनाइट और आ, हमारे टर्म रेपो के अंतर्गत निर्धारित किए जाते हैं और यह भी आपसे शेयर कर लिया का भारत का रेपो मार्केट की समस्या क्या है वो केवल सरकारी प्रतिभूति की खरीद फरोख तक सीमित है नेक्स्ट टॉपिक इसी में टाइप्स ऑफ रेपो मार्केट इन इंडिया भारत में रेपो मार्केट तीन टाइप के होते हैं तो भारत में जो रेपो मार्केट है उसमें रेपो का मतलब समझ गया ना रेपो मार्केट का खरीदने बेचने का प्रॉमिस आज खरीदा बेचा है और एक प्रॉमिस भी किया है कि आगे चल के दोबारा खरीद लेंगे उसी सिक्योरिटी को तो तीन प्रकार का है एक सॉवरन सिक्योरिटी मार्केट ये तो आप लोग समझ रहे होंगे सॉवरन मतलब सरकार का प्रॉमिस सरकार की गारंटी एक ऐसी चीज की एक ऐसी चीज को खरीदने या बेचना जिसमें सरकार ने मोहर लगाई है भारत सरकार ने मोहर लगाई है राज्य सरकार ने मोहर लगाई है सॉवरन सिक्योरिटीज सॉवरन सिक्योरिटीज मतलब वह सिक्योरिटीज वह प्रतिभूति जो सरकार की प्रतिभूति है यही भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित है जिसकी चर्चा में काफी देर से कर रहा हूं जी सेक और उसमें इन्वॉल्व कौन रहेंगे मेनली बैंक थ्रू आर और जो रेपो मार्केट की ये जो दर है जो ब्याज दर है वो रेपो रेट के हिसाब से तय होती है तो सॉवरन सिक्योरिटीज ये चलता चला आ रहा है भारत में बहुत लंबे समय से दूसरा जो मार्केट है वो है खरीद फरोख्त किसकी कॉरपोरेट बॉन्ड की ये 2010 में अलाउ किया था आरबीआई ने कॉरपोरेट बॉन्ड uh, की इसको यह भी कहते हैं स्टूडेंट कॉरपोरेट डेट सिक्योरिटी मार्केट कॉरपोरेट डेट सिक्योरिटी मार्केट यह भी कहते हैं इसमें ना सबको सबको परमिशन देके रखी हुई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कमोवेश कमोवेश भारत में जितने प्रकार की वित्त संस्थान है सबको परमिशन दे के रखी हुई है कि जाइए आप कॉरपोरेट बॉन्ड को खरीदिए बेचिए अपनी छोटी अवधि की वित्तीय आवश्यकताओं के लिए हम रेपो मार्केट के थ्रू इसे अलाउड कर रहे हैं लेकिन दिक्कत क्या है स्टूडेंट आप खुद समझिए यहां पे सॉवरन सिक्योरिटी में सरकार की प्रतिभूतियां हैं तो इसके डूबने के चांसेस कम हैं हमारा कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट अच्छा नहीं है ये रिस्की ज्यादा है रिस्की ज्यादा है तो ब्याज यहां पे ज्यादा है ये रिस्की कम है तो ब्याज यहां पर कम है क्योंकि ये रिस्की कम है इसलिए बैंक ज्यादातर अपनी प्रतिभूतियों को यहां खरीदते बेचते हैं दूसरी चीज कंपनियां ज्यादातर सरकार की प्रतिभूति रखती नहीं क्योंकि ब्याज कम है उन्हें तो पैसा कमाना है इसलिए वो थोड़ी ज्यादा रिस्क लेती है कॉरपोरेट बॉन्ड को खरीदते बेचते हैं अच्छा रेपो मार्केट कब होगा स्टूडेंट जब हमारा जो आरबीआई है हमारा आरबीआई खुद एक कदम आगे बढ़कर केवल सरकार की प्रतिभूति ना खरीदे सरकार की प्रतिभूति खरीदने के साथ साथ किसको खरीदना चालू कर दे कॉरपोरेट बॉन्ड को भी तो सीधी सी बात है ये जो कारपोरेट बॉन्ड है इसकी डिमांड बढ़ जाएगी और डिमांड बढ़ने का मतलब है हमारा रेपो मार्केट का दायरा बढ़ जाएगा लिक्विडिटी का जो क्राइसिस है वो कम होने लगेगा सॉवरन सिक्योरिटी कॉरपोरेट बॉन्ड सिक्योरिटी ज्यादा प्रचलित सॉवरन सिक्योरिटी और तीसरा रेपो मार्केट होता है ट्राई पार्टी रेपो एक तीसरी पार्टी ट्राई पार्टी रेपो ट्राई पार्टी रेपो इसे समझा देते हैं हम ट्राई पार्टी रेपो यहां देखें एक बायर है एक सेलर है इसने मान लेते हैं ये एक बॉन्ड है लेट्स इट्स सब बॉन्ड इसने इस बॉन्ड को इसको दिया इसने कैश इसको दिया कैश इसने लिया इसने बॉन्ड इसको दिया तो बॉन्ड आ गया इसके पास, पास ये के के इसके पास आ गया। 15 दिन एग्रीमेंट हुआ है, रिपर्चेस एग्रीमेंट पंद्रह दिन का है पंद्रह दिन बाद इसी सेलर को ये ये बॉन्ड क्या करना पड़ेगा खरीदना पड़ेगा और इस बंदे को बायर को कैश क्या करना पड़ेगा कैश लौटाना पड़ेगा तो ये हो गया आपका एक बायर सेलर एग्रीमेंट रेपो मार्केट अब इसमें दिक्कत क्या है स्टूडेंट इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि कोई गड़बड़ कर सकता है या तो सेलर गड़बड़ कर दे पंद्रह दिन बाद या तो बायर गड़बड़ कर दे पंद्रह दिन बाद कोई भी गड़बड़ कर सकता है तो उस गड़बड़ को रोकने के लिए उस चीज को नियंत्रित करने के लिए एक तीसरे प्रकार का रेपो होता है वो होता है ट्राई पार्टी रेपो तो उसमें होता क्या है बायर और सेलर आपस में एग्रीमेंट करते हैं किसी तीसरी पार्टी के माध्यम से इसका मतलब क्या है दोनों जो पार्टी हैं मतलब बायर और सेलर वो किसी तीसरी पार्टी के पास जाके अपना अकाउंट खुलवा लेंगे तो बायर कहेगा कि मैं तुम्हें सेलर को मैं तुम्हें डायरेक्ट नहीं दूंगा मैं इस तीसरी पार्टी के पास मैंने अकाउंट खुलवाया वहां मेरा बॉन्ड डला हुआ है वो तीसरी पार्टी की जिम्मेदारी है बॉन्ड को खरीदे बेचे जिसको खरीद जिसको बेचा है उस, उ, उसको उसको पंद्रह दिन बाद कैश दिलवाए और जिसने कैश लिया है पंद्रह दिन बाद उस कैश पर ब्याज ऐड करके वसूले तो ट्राई पार्टी रेपो या महाराष्ट्र की भाषा में कहूं बॉलीवुड की लैंग्वेज में कहूं तो ट्राई पार्टी रेपो वो संस्थान होते हैं जो बेसिकली मांडवली का काम करते हैं बेसिकली तीसरे एक एजेंट की तरह बिल्कुल ऐसे समझिए आपको मकान किराए पर लेना है आपने किराए का मकान देखा आपको पसंद आ गया आपने किराए के जो मकान है उसके अंतर्गत आपने सिक्योरिटी दे दी और आपने कहा कि एक साल के लिए मैं रहूंगा एक साल बाद मैं खाली करूंगा आप मुझे सिक्योरिटी लौटा दीजिएगा चलिए भाई आप दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया विश्वास पे एग्रीमेंट हो गया लेकिन कोई भी गड़बड़ कर सकता है किराएदार बिना किराएदार दिए बिना किराया दिए जा सकता है और जो मकान मालिक है घर खाली करने पर सिक्योरिटी नहीं लौटाएगा तो इसको हैंडल करने के लिए प्रॉपर्टी एजेंट्स होते हैं प्रॉपर्टी एजेंट्स तीसरी पार्टी होते हैं प्रॉपर्टी एजेंट्स मकान मालिक को मकान चढ़वाते हैं उनका मकान चढ़वाते हैं और जिनको जरूरत है उनको मकान दिलवाते हैं दोनों के बीच में एग्रीमेंट करवाते हैं उस एग्रीमेंट की सील लगवाते हैं रजिस्ट्री दफ्तर में जाकर तो एक तरीके का एग्रीमेंट करवाते हैं अब अगर प्रॉपर्टी डीलर ने एग्रीमेंट करवा दिया है उसके एवेज में वो कमीशन लेते हैं तो प्रॉपर्टी डीलर ने अगर एग्रीमेंट करवा दिया है तो मकान मालिक की जिम्मेदारी है कि घर खाली करते वक्त सिक्योरिटी देनी पड़ेगी और किराएदार की जिम्मेदारी है कि मकान खाली करने से पहले जिस महीने में आप खाली कर रहे हैं उस महीने में आपको किराया देना पड़ेगा तो ठीक इसी तरीके से एक ट्राई पार्टी रेपो होता है ट्राई पार्टी रेपो बेसिकली एक थर्ड पार्टी संस्थान होते हैं और ये जो थर्ड पार्टी संस्थान होते हैं भारत में एक ही ट्राई पार्टी है वो है संस्थान है सीसीआईएल क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड लिख लीजिएगा भारत में एक संस्थान है सीसीआईएल ये ट्राई पार्टी रेपो का काम करता है तो मैं इसे समझा देता हूं आपको मान लेते हैं दो बैंक है बैंक ए और बैंक बी बैंक बी को कैश की जरूरत है बैंक ए को कैश डाला हुआ है उसपे ब्याज की जरूरत है तो बैंक ए बैंक बी से बोलेगा लाभ कोई बॉन्ड दे दे या जी सेक दे, दे। तो बैंक बी जी सेक दे देगा बैंक ए कैश दे देगा दे और दोनों के बीच में पंद्रह दिन के बाद दोबारा खरीदने का एग्रीमेंट हो जाएगा बैंक ए को अपने कैश पर ब्याज मिल जाएगा बैंक बी की अल्प अवधि की कैश की जरूरत खत्म हो जाएगी पूरी हो जाएगी इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट में विश्वास बनाए रखने के लिए बैंक ए और बैंक बी अपनी माथापच्ची को कम करने के लिए एक तीसरी पार्टी को बुलाते हैं कि हमारे बीच में एग्रीमेंट करवाओ बॉन्ड खरीदा जाएगा बेचा जाएगा यह सब जिम्मेदारी तुम्हारी है इसके बदले में हमसे पांच पैसे दस पैसे पंद्रह पैसे यानी कि परसेंटेज में आप हमसे कमीशन ले लो तो भारत में ट्राई पार्टी रेपो जो है वो तीसरी पार्टी जो कि रेपो मार्केट को चलाती है बेसिकली यही बहुत फेमस है तो ट्राई पार्टी रेपो जो है वो भारत में एक संस्थान है सीसीआईएल तो सीसीआईएल ट्राई पार्टी रेपो को रन करता है अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए ट्राई पार्टी रेपो वह वित्तीय व्यवस्था है जिसमें एक तीसरी पार्टी जिसमें एक तीसरी पार्टी मध्यस्थ मध्यस्थता की भूमिका निभाती है एक तीसरी पार्टी मध्यस्थता की भूमिका निभाती है मध्यस्थता की भूमिका निभाती है और इसकी यह जिम्मेदारी है और इसकी यह जिम्मेदारी है कि समझौते के अंतर्गत समझौते के अंतर्गत निर्धारित की गई निर्धारित की गई ब्याज की दरों के अनुसार ब्याज की दरों के अनुसार प्रतिभूति या बॉन्ड को प्रतिभूति या बॉन्ड को खरीदा या बेचा जाए खरीदा या बेचा जाए खरीदा या बेचा जाए या सरल शब्दों में स्टूडेंट यह वह दुकान है यह वो मंडी है जहां पर खरीदार और बेचने वाला खरीदने वाला और बेचने वाला आकर अपने सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदते हैं कैश का लेन देन करते हैं पंद्रह दिन के बाद या जितने भी दिन का हो उतने दिन के बाद दोबारा खरीद लेने का सरकारी जो प्रतिभूति है या बॉन्ड है खरीद लेने का प्रॉमिस करते हैं इस प्रॉमिस की गारंटी लेने वाली जो संस्था होती है उसे ट्राई पार्टी रेपो कहते हैं यह सारी जिम्मेदारी होती है यह सारा काम करके देती है बायर और सेलर के बीच में एग्रीमेंट को चलाने के लिए ट्राई पार्टी रेपो एक चीज और लिख लेना यह दो में चालू हुई है ट्राई पार्टी रेपो इसके पहले इसके पहले यह व्यवस्था नहीं थी इसके पहले जो व्यवस्था थी उसे कहते थे सीबीएलओ ये बंद हो गई है सीबीएलओ अठारह में बंद कर दी गई है सीबीएलओ का मतलब होता है या थोड़ा गूगल कर लेना सीबीएलओ का मतलब होता है को बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लीगेशन को बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लीगेशन ऑब्लीगेशन मतलब जिम्मेदारी बोरो मतलब कर्ज लेना लैंडिंग मतलब कर्ज देना तो पहले क्या होता था यहां देखो आप लोग बायर और सेलर के बीच में अगर कोई एग्रीमेंट हो रहा है इसमें कोई तीसरी पार्टी इन्वॉल्व नहीं है केवल बायर और सेलर के बीच में एक एग्रीमेंट है कि भैया इसने बॉन्ड गिरवी रखा है इसने कैश दिया है क्योंकि इसने कैश दिया है तो यह लेंडर हो गया इसने कैश लिया है तो यह बोरोवर हो गया और इस इसने प्रॉमिस किया कि पंद्रह दिन बाद दोबारा खरीद लूंगा तो इसको पहले बोलते थे सीबीएलओ पहले इसका मतलब होता था सीबीएलओ और ये विश्वास पे चलता था सीबीएलओ उसके बाद सरकार ने एक सिस्टम चालू किया कि नो वी शुड हैव अ थर्ड पार्टी एज वेल ताकि फ्रॉड ना हो तो थर्ड पार्टी रेपो चालू किया गया ट्राई पार्टी रेपो चालू किया गया तो सीबीएलओ का नाम अब ट्राई पार्टी रेपो के फॉर्मेट में सामने आने लगा है तो स्टूडेंट अब तो आपको बैठ गया होगा दिमाग में कि रेपो मार्केट होता क्या रेपो रेट नहीं रेपो रेट पढ़ चुके हो आप रेपो मार्केट क्या होता है तो हमने रेपो मार्केट देख लिया रेपो मार्केट की क्लासिफिकेशन देख लिए अब हमारा काम आसान हो गया अब हम यह देख लेते हैं एल टी आर ओ एलटीआरओ क्या होता है जिसको अभी शक्तिकांत दास साहब ने चालू किया लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन एल टी आर ओ लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन चल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन चले इसको मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं पहले इसका एक बैकग्राउंड देख लेते हैं आ, भारत के जो बैंक हैं, उन पर एक आरोप लगता है कि भारत के बैंक आरबीआई जो सस्ते कर्ज उपलब्ध करा रहा है उसका फायदा ग्राहकों को नहीं दे रहे हैं तो भारत के बैंकों पर आरोप लगता है कि भारत के जो बैंक है वो क्रेडिट ट्रांसमिशन फायदा ट्रांसमिशन एक दिन एक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति दूसरे से तीसरे तो भारत के बैंकों पर एक आरोप लगता है कि वो क्रेडिट ट्रांसमिशन नहीं कर रहे हैं क्यों नहीं कर रहे हैं इनकी बैलेंस शीट इतनी ज्यादा खराब है कि वो फिक्स डिपॉजिट पर कम इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं वो सस्ती दरों पर लोन लेके तो आ रहे हैं लेकिन अपने लोन को अपने ऑटो लोन को होम लोन को उस स्तर पे कम नहीं कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए क्योंकि अपनी बैलेंस शीट सुधारने में लगे हुए हैं सीधी सी बात है कल तक छह परसेंट में पैसा उठाते थे आरबीआई से आज चार परसेंट पर उठा रहे हैं लेकिन हमको घर बनाने के लिए लोन कल भी नौ परसेंट पे देते थे आज भी नौ परसेंट पे दे रहे हैं कल उनको फायदा तीन परसेंट का हो रहा था आज फायदा पांच परसेंट का हो रहा है तो अपनी बैलेंस शीट सुधारने में लगे हुए हैं तो भारत के बैंकों पर एक आरोप है कि वो क्रेडिट ट्रांसमिशन नहीं करते वो क्रेडिट ट्रांसमिशन नहीं, नहीं करते और भारत के बैंक क्या कंप्लेन करते हैं वो कहते हैं रेपो रेट का हमें बड़ा फायदा ही नहीं है बोलते हैं हम रेपो रेट का रेपो मार्केट का फायदा उठाएं भी तो क्यों उठाएं ये केवल अल्प अवधि का पैसा है कुछ ऐसा पैसा दिलवाइए ना जो लंबी अवधि के लिए मिल जाए हमको रेपो मार्केट का फायदा केवल 28 दिन तक लिए मत रखिए लंबी अवधि के लिए रखिए तो एक बैकग्राउंड यह है बहुत लंबे समय से भारत के बैंक डिमांड कर रहे थे कि रेपो मार्केट की जो अवधि है वो बढ़ाई जाए इसलिए एलटीआरओ चालू हुआ लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म लंबी अवधि रेपो ऑपरेशन या फिर रेपो मार्केट रेपो का मतलब समझ रहे हैं ना रीपर्चेस एग्रीमेंट रेपो ऑपरेशन एक और चीज एक और चीज स्टूडेंट आप लोग अच्छे से जानते हो पिछले कुछ समय से सरकार का फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है इकोनॉमी की हालत ठीक नहीं है तो राजकोषीय घाटा बढ़ेगा जब स्टूडेंट राजकोषीय घाटा बढ़ता है राजकोषीय घाटा बढ़ने का मतलब यह है कि सरकार राजकोषीय घाटे को नियंत्रित नहीं कर पा रही है और राजकोषी घाटे के जो लक्ष्य बजट में निर्धारित होते हैं उससे पीछे छूट जाती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं फिस्कल स्लिपेज वट इज फिजिकल स्लिपेज जब केंद्र सरकार या राज्य सरकारें अपने राजकोषीय घाटे को नियंत्रित ना कर पाए राजकोषीय घाटा बढ़ जाए तो उसे फिजिकल स्लिपेज कहते हैं अब एक सीधी सी बात बताओ अगर सरकार की बैलेंस शीट खराब हो रही है तो सरकार की प्रतिभूति पर जो ब्याज दर है ये तो अब इतना इतनी इकोनॉमी तो बच्चे को भी पता चले जाएगी कि सरकार की अर्थव्यवस्था खराब है सरकार की बैलेंस शीट खराब है और सरकार इस खराब बैलेंस शीट पर भी अगर मार्केट से पैसा उठाती है तो उसे मार्केट से पैसा सस्ती दरों पर मिल जाएगा महंगी दरों पर मिलेगा यह बिल्कुल वैसे ही है मुकेश अंबानी अगर मार्केट से पैसा उठाएंगे उन्हें तुरंत मिल जाएगा और शायद कम दरों पर मिल जाए और विजय माल्या अगर पैसा उठाएगा तो एक तो मिलना भी बहुत मुश्किल है और अगर मिलेगा भी तो बहुत ऊंची रेट पे मिलेगा सरकार की बैलेंस शीट बहुत खराब हो गई है बैलेंस शीट खराब होने पर स्लिपेजेस बढ़ने पर राजकोषीय घाटा नियंत्रित तो नहीं होने पर मार्केट में सरकार की जो बॉन्ड पर या सरकार की जो जी सेक है सरकारी प्रतिभूति है उस पर जो ब्याज दर है वो क्या हो गई है बढ़ गई है अब जरा ध्यान से सुनिएगा ये ब्याज दर बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो ये ब्याज दर बहुत ज्यादा बढ़ जाने के कारण ये मतलब ये जो एक फैक्टर है कि ब्याज दर वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो इसके लिए जो हमारी प्राइवेट कंपनीज हैं प्राइवेट कंपनीज के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है कि भाई चलो खरीद लेते हैं सरकार की प्रतिभूति खरीद लेते हैं सरकार की प्रतिभूति को परचेज कर लेते हैं इस पर मार्केट में अगर छह परसेंट मिल रहा है सरकार की प्रतिभूति पे साथ मिल रहा है उसको खरीद लेते हैं तो सरकारी कंपनियों के साथ साथ जो छोटी मझोली कंपनियां हैं या अन्य प्राइवेट एनबीएफसी हैं वो भी सरकार की प्रतिभूति खरीद रही हैं लेकिन वो कंप्लेन करती हैं वो कंप्लेन करती हैं कि हम खरीद तो रहे हैं हमें ब्याज भी अच्छा मिल रहा है लेकिन इसका फायदा हमें आरबीआई क्यों नहीं देता क्यों ना हम इस बॉन्ड को जो हमने सरकार की प्रतिभूति खरीदी है मैं जीसैक लग देता हूं हमने जो सरकार की प्रतिभूति खरीदी है क्यों ना हमें भी इसका फायदा मिले जैसा बैंक उठाते हैं क्यों ना हम भी बैंकों के पास जाके पैसा रखें अपना जी सेक रखें और वहां से पैसा ले लें तो इन फायदे को निर्धारित करने के लिए एक डिमांड चल रही थी कि आरबीआई को अपने रेपो मार्केट का बिहेवियर चेंज करना होगा रेपो मार्केट का बिहेवियर चेंज करने के लिए जरूरी है कि वो बेसिकली एक नई व्यवस्था लेके आए जिसके अंतर्गत रेपो मार्केट में केवल बैंक सीमित ना रहें उस उसमें छोटी एनबीएफसी भी आ सकें और छोटी मझौली कंपनियां भी आ सकें तो उसी के लिए चालू किया गया लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन डेफिनेशन लिखाने से पहले मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन छोटी अवधि के लिए नहीं लाना चाहते लोग पैसा वो कहते हैं हमें बड़ा पैसा चाहिए और लंबी अवधि के लिए चाहिए और बड़ा पैसा और लंबी अवधि के लिए जो हमारे यहां धूल खा रहा है सरकार की प्रतिभूति क्यों ना आप उस प्रतिभूति को हमसे ले लीजिए और आप हमें लंबी अवधि का पैसा दे दीजिए तो इससे दो फायदे होंगे स्टूडेंट छोटी कंपनी एनबीएफसी बैंक इन सब की कैश की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी और कैश की रिक्वायरमेंट लंबी अवधि के लिए केवल छोटी अवधि के लिए छोटी अवधि की व्यवस्था तो पिछले 40 साल से चल रही है पचास साल से चल रही है अब लंबी अवधि के लिए पैसा मिल जाएगा और लंबी अवधि के लिए जो पैसा मिलता है उससे इकोनॉमिक प्लानिंग अच्छी होती है तो डेफिनेशन लिख लीजिए लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन है क्या लिख लीजिए इस व्यवस्था के अंतर्गत इस व्यवस्था के अंतर्गत बैंक आरबीआई से एक से लेकर तीन साल तक के लिए एक से लेकर तीन साल तक के लिए नगद एकत्रित कर सकते हैं वह भी वह भी रेपो रेट पर वह भी रेपो रेट पर नगद एकत्रित कर सकते हैं वह भी रेपो रेट पर बोर्ड पे एक बार फिर से आप लोग समझिए लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन क्या है हमारे जो बैंक हैं, वो एक से तीन साल के लिए लोन ले रहे हैं एक से तीन साल के लिए जीसेक को गिरवी रखकर नगद इकट्ठा कर रहे हैं एक से तीन साल के लिए चार परसेंट पर उन्हें लोन मिल रहा है करोड़ों रुपए केवल चार परसेंट पर यही मार्केट से लेने जाएंगे तो बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा तो इसलिए स्टूडेंट लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के फायदे क्या हैं आप लिखते चलिएगा बेनिफिट फायदे पहला फायदा लॉन्ग टर्म की लिक्विडिटी इंप्रूव हो जाएगी लंबी अवधि की जो लिक्विडिटी है वो इंप्रूव हो जाएगी लंबी अवधि की जो लिक्विडिटी का क्राइसिस है वो दूर हो जाएगा अभी क्या होता है अभी के रेपो और मार्केट में शॉर्ट टर्म की जो लिक्विडिटी है वो इंप्रूव होती है लेकिन लॉन्ग टर्म की लिक्विडिटी को इंप्रूव करने के लिए लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन अभी क्या होता है पन 28 दिन का एटमैक्स करते हैं तो शॉर्ट टर्म की समस्या अभी दूर होती है अब लॉन्ग टर्म की समस्या भी दूर हो जाएगी लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी और पॉइंट नंबर टू क्योंकि ये लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन है तो इससे जो कैश की सप्लाई है वो और व्यवस्थित होगी पूरा लिख लीजिएगा जो कैश की सप्लाई है वो और व्यवस्थित हो जाएगी कैश की सप्लाई और व्यवस्थित होने देखने मिलेगी या फिर मैं आपको ऐसे लिख देता हूं आ, बैंकों को इजी मनी मिलेगा देखिए एक रियायत वाली दर पर पैसा मिल रहा है ना मार्केट में यही तीन साल के लिए पांच सौ करोड़ रुपए जुटाने जाएंगे तो उन्हें आठ परसेंट में मिलेगा सात परसेंट में मिलेगा इससे अच्छा है अपनी सरकारी प्रतिभूति जो तुमने रख रखी है उसे जाओ आरबीआई पे दे दो आरबीआई खुद कह रहा है कि हम तीन साल के लिए तुम्हें पैसा दे रहे हैं तो इससे लिक्विडिटी बढ़ जाएगी ईजी मनी है और मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है बैंकों की लिक्विडिटी बढ़ेगी तो उसका टपकन सिद्धांत देखने मिलेगा उसका ट्रिकल डाउन देखने मिलेगा वह चीज एनबीएफसी तक भी पहुंचेगी और बाकी छोटी मझोली कंपनियों तक भी पहुंचेगी तो आरबीआई ने जो एल किया है उस एल के जरिए आरबीआई ने करीबन एक लाख तेरह हजार करोड़ रुपए का वो एल ओ कर चुके हैं अब तक तो वो इजी मनी पहुंचाना चाहते हैं बैंकों को इजी मनी डेवलप करना चाहते हैं इससे एक और चीज होगी इस इजी मनी के चलते भारत में जो क्रेडिट की सप्लाई है वो बढ़ जाएगी भारत में लोन्स की जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी बैंकों के माध्यम से लोन की सप्लाई छोटी कंपनियों को बढ़ जाएगी एक और चीज फोर्थ पॉइंट इन, इन सब चीजों में देखो है भाई बैंकों को अगर केवल चार परसेंट पे पांच सौ करोड़ रुपए मिल रहा है केवल चार परसेंट पे तो यही पांच सौ करोड़ रुपए वो मार्केट में पांच साढ़े पांच छह सात परसेंट पे बांटने भी तैयार हो जाएंगे तो आरबीआई एल टी आर ओ किस मानसिकता के साथ कर रहा है आरबीआई कह रहा है कि देखो भाई हम तुम्हें तीन साल के लिए पैसा दे रहे हैं वो भी केवल चार परसेंट पे आज के रेपो रेट पर जो कि बहुत लंबे समय में बढ़ने वाला भी नहीं है अच्छा एक चीज और याद रखिएगा रेपो रेट अब बहुत ज्यादा बढ़ेगा भी नहीं बहुत ज्यादा कम भी नहीं होगा क्योंकि भारत में इन्फ्लेशन कंट्रोल में है इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा कंट्रोल में है इन्फ्लेशन अगर एकदम से 10 परसेंट हो जाएगा तो मनी की सप्लाई को रोकने के लिए रेपो रेट बढ़ाना पड़ेगा जो कि उम्मीद कम है और अब तो और भी कम है जब डिमांड इतनी कम हो गई है कोरोना के चलते और एक चीज और है इतनी बड़ी जनसंख्या है इतनी बड़ी आबादी है हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तीन चार तो बना ही रहेगा इस लेवल पे बना ही रहेगा इसका मतलब क्या है रेपो रेट में बहुत ज्यादा ऐतिहासिक परिवर्तन नहीं आने वाले आने वाले चार पांच सालों में इसी कॉरिडोर में चलेगा वो तो है क्या स्टूडेंट तुम्हें तो चार परसेंट पर बैंकों को आसानी से इतना बड़ा लोन मिल रहा है तो आरबीआई की मानसिकता क्या है आरबीआई कह रहा है कि देखिए हम आपको ईजी मनी दे रहे हैं लेकिन आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप ये जो इजी मनी लेके जा रहे हैं इसका ट्रांसमिशन आप छोटे ग्राहकों को करेंगे और वो भी सस्ती दरों पर तो आरबीआई की मानसिकता क्या है एल के माध्यम से कि भारत में जो लोन रेट है वो दरें कम होंगी अभी अगर होम लोन 10 परसेंट में मिलता है तो 8 परसेंट मिलेगा बताने की आवश्यकता नहीं है लोन रेट्स कम होंगे ऑटो होम ऑटो लोन कम होंगे गोल्ड लोन की दरें अगर कम होंगी तो इन सब का बड़ा फायदा क्या होगा डेफिनेटली लोगों का उत्साह बढ़ेगा चीजों को खरीदने के लिए और इकोनॉमी में डिमांड और बूम अपने आप आने लगेगा इस डेवलपमेंट के साथ एल चालू किया गया एक और चीज आई होप आपको ये चीज पता होगी अगर ये नहीं पता है तो बड़ा प्रॉब्लम वाला विषय हो जाएगा फिर तो एल टी से कहीं ज्यादा अच्छा है ये मैं आपको समझा देता हूं एल टी आर ओ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी से कहीं ज्यादा अच्छा है क्यों भैया लिक्विडिटी एडजस्टमेंट अब ये पूरे पॉइंट देख लेना आप लोग लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में आ, आपको एट मैक्स अधिकांशतः अधिकांश यानी कि इतना भी नहीं है इससे तो इस कम ही सेंस में कहा जा सकता है मैं तो ये कहूंगा कि ये भी मतलब लिखिए बेसिकली लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज में भारत के बैंकों को आपको एल पता होगा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज पता होगा अभी जो एल है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज है उसके अंतर्गत भारत के बैंक अपनी केवल शॉर्ट टर्म की जरूरतें पूरा कर सकते हैं एक से तेरह दिन के लिए जबकि एल में क्या लिखा है यहां पर क्या लिखा है एलटीआरओ में एक से लेकर तीन साल के तक के लिए तो जो एल है वो शॉर्ट टर्म जरूरतों को पूरा करता है भारत के बैंकों का जबकि जो एल है वो लॉन्ग टर्म दूर करता है अच्छा एक चीज और है आ, आपने ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में जरूर पढ़ा होगा स्टूडेंट आपने नोट्स देखिए बहुत जरूरी है आपने ये भी सुना होगा पढ़ा होगा कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत भारत के बैंक केवल और केवल अपने NDTL का जीरो पॉइंट सेवन फाइव परसेंट ही बोली लगा सकते हैं अब यह मत पूछना कि NDTL क्या होता है अगर आप यह पूछ रहे हैं इसका मतलब आप इकोनॉमी की पढ़ाई आपने की नहीं है नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी NDTL। तो भारत के जो बैंक हैं एल एफ के अंतर्गत लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के लिए केवल जीरो पॉइंट सेवन फाइव परसेंट तक की बोली लगा सकते हैं ओनली जीरो पॉइंट सेवन फाइव परसेंट का जबकि एल टी आरओ में यह अनलिमिटेड है एल टी आर ओ में यह अनलिमिटेड है आप कितनी भी बोली लगा सकते पांच हजार करोड़ दस हजार करोड़ बीस हजार करोड़ आप कितनी भी बोली लगा सकते हैं तो देखिए फायदे ही फायदे हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एक से तेरह दिन के लिए इसको एल एफ भी लिख सकते हो या फिर आप इसको यह भी लिख सकते हो आप यह भी लिख लो चलो टर्म रेपो अभी बताया था ना टर्म रेपो सात दिन चौदह दिन अट्ठाइस दिन तो टर्म रेपो और एल का फायदा कितना मिलेगा टर्म रेपो और एल के जो बड़े फायदे हैं वो बेसिकली आपको एक से तेरह दिन के लिए केवल और केवल इतनी बोली लगा सकते हैं अपनी एनडीटीएल का जीरो अब भाई सीधी सी बात है एस का एनडीटीएल बहुत ज्यादा होगा छोटे बैंकों का कम होगा एल सबको बेनिफिट देगा तो एल में एक फायदा यह है कि ये छोटी अवधि का तो बड़ी अवधि का है लॉन्ग टर्म है अनलिमिटेड बोली लगा सकते हैं और यह शॉर्ट टर्म जरूरतों की अपेक्षा कर लॉन्ग टर्म जरूरतों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाएगा यह एल के बड़े फायदे हैं अच्छा एक बड़ा फायदा जो भविष्य में होगा मैं उस पर ज्यादा कंफर्टेबल नहीं उस कंसेप्ट बट लेट्स इमेजिन आज बैंकों के पास एकदम से कैश बढ़ जाएगा खूब कैश की सप्लाई अगर एल टी आर ओ मान लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साल में छह बार एल टी आर ओ कर देता है और हमारे जो बैंक हैं वो एल टी आर ओ पे खूब बोली लगाते हैं खूब सरकारी प्रतिभूतियां रखते हैं और पैसा जुटाते हैं तो एक समय के बाद क्या होगा स्टूडेंट एक समय के पास भारत के बैंकों के पास कैश की सप्लाई क्या होगी बढ़ जाएगी ओवर कैश हो जाएगा कैश इतने से इतना हो जाएगा और जब कैश बहुत ज्यादा हो जाएगा तो कौन सा मार्केट एग्रेसिव हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट का सुनो, अंदाजा लगाइए आज तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कैश पड़ा हुआ है और एक्स्ट्रा कैश पे तुम चाहते हो कि इसका कुछ फायदा हो जाए तो क्यों ना हम आर के पास चले जाते हैं और आर के पास अपना पैसा जमा कर देते हैं तो आर के पास पैसा जमा करेंगे आर बी इस पर ब्याज देगा ऑफ कोर्स रिवर्स रेपो रेट में जो ब्याज दर है वो रेपो रेट से कम है 3.35 के आसपास है लेकिन फिर भी थ्री भी बैंकों के लिए बहुत है इफ़ इट इज हंड्रेड करोड़ तो यू एन थ्री करोड़ तो एक समय के बाद क्या होगा एल से जो खूब कैश जनरेट होगा हालांकि आरबीआई की उम्मीद नहीं है आरबीआई तो कहता है कि ये जो कैश जनरेट होगा इसको आप मार्केट में डालिए इसको आप दीजिए लोगों को सस्ती दरों पर लोन बांटिए बट इमेजिन कि खूब एल की वजह से कैश चीजें बढ़ेंगी रिवर्स रेपो रेट मार्केट भी एक समय के बाद एग्रेसिव हो जाएगा जो आज के समय में बिल्कुल ठंडे बस्ते में जा चुका है उसका कोई सेंस नहीं रह गया तो स्टूडेंट याद रखिए एल लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी टर्म रेपो या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ये आपके होम असाइनमेंट भी हैं इनको और अच्छे से पढ़िए एल को और एम को लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी से टेन टाइम्स बेटर है इन टर्म्स ऑफ वॉट ये शॉर्ट टर्म की जरूरतें पूरा करते हैं ये लॉन्ग टर्म में इसमें अनलिमिटेड बोली लगाइए इसमें तो केवल 0.75 परसेंट ऑफ एनडीटीएल तो स्टूडेंट ये सारे फायदे लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस के लब लबाब एक ही है ओवरऑल सेंस यही है कि लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के माध्यम से सरकार भारत के बैंकों की लिक्विडिटी का जो संकट है वो शॉर्ट टर्म के साथ साथ लॉन्ग टर्म के लिए सुलझाना चाहती है ये जो लॉन्ग टर्म के लिए कैश की सप्लाई बढ़ेगी तो इसका मोटा फायदा जो बड़ा फायदा है वो आगे चलकर भारत की छोटी कंपनियों को भी मिल सकता है बैंकों के पास कैश है तो एनबीएफसी के पास भी पहुंचेगा ऐसी उम्मीद की जाएगी प्रॉब्लम एक ही है उसको हम लिखेंगे नहीं वो मैं थोड़ा पॉइंट अपना ऐड कर रहा हूं इस पूरे एल टी आर ओ की अपेक्षाकृत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह स्टेप लेना चाहिए कि वो सरकारी प्रतिभूतियों के साथ साथ जो प्राइवेट कंपनी के कॉरपोरेट बॉन्ड हैं उनको भी बढ़िया तरीके से परचेस करना चालू कर दे अगर वो खुद परचेस करेंगे जैसा कि आपने तो सुना ही होगा आप लोग आई होप आप इतने अवेयर होंगे कि अमेरिका और यूरोप में क्वांटिटेटिव ईजिंग खूब चल रही है वहां पे वो बॉन्ड खरीद रहे हैं कंपनियों की अमरीकी अमेरिका में तो आठ दस साल चला यूरोप में भी चल रहा है क्वांटिटेटिव ईजिंग वो कंपनियों के बॉन्ड खरीदते और कंपनियों को सप्लाई कर रहे हैं मनी सप्लाई कर रहे हैं डायरेक्ट उनके हाथ में पैसा उनके बॉन्ड खरीद रहे हैं हमारे यहाँ भी ये व्यवस्था नहीं है आ, तो होना क्या चाहिए व्यवस्था क्या नहीं है हम एक स्कीम आगे चल के कभी देख लीजिएगा या फिर मैं आपको अभी बताऊँ बताऊँगा आपको मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम करके चीज़ें होती हैं लेकिन वो इतनी तो हेल्पफुल नहीं रहे हमारे यहाँ हमारे यहां एक समस्या क्या है ले देख के इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि पूरा फोकस चाहे एल टी आर ओ का हो चाहे एल एफ का है वो है सरकारी प्रतिभूतियों की तरफ होना किसकी तरफ चाहिए सरकारी प्रतिभूतियों के साथ साथ कॉरपोरेट बॉन्ड की तरफ अगर वो हो जाएगा तो एल टी आर ओ और सशक्त हो सकता है तो ओवरऑल सेंस में याद रखिएगा स्टूडेंट लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन रेपो मार्केट का हिस्सा है जिसके अंतर्गत खरीदने और बेचने वाली पार्टी के बीच में एग्रीमेंट होता है उस एग्रीमेंट के अंतर्गत फ्यूचर में रिवर्स हो जाएगा ऑपरेशन रिपर्चेस हो जाएगा इसमें बैंक और आरबीआई के बीच में जो एग्रीमेंट है वो बेसिकली एक से तीन साल के लिए होगा अट्ठाईस दिन तक के लिए नहीं होगा और यह लंबी अवधि के पैसे जुटाने की एक व्यवस्था है एक चीज और एल की खरीद फरोख्त एल की खरीद फरोख्त जिस प्लेटफॉर्म पर होती है उसे कहते हैं ई ईकोबेर आरबीआई का इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जिस तरीके से आप एस में लॉग इन करते हो ना किसी को पैसे भेजने के लिए ठीक इसी तरीके से एल को खरीदने के लिए बेचने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का खुद का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, खुद का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सिस्टम है जैसे ईकोबेर कहते हैं इकोबेर में बैंक लॉग इन करते हैं और अपनी सरकारी प्रतिभूतियों को सेल आउट करते हैं बेचते हैं कैश लेते हैं बाद में जाकर दोबारा खरीद लेते हैं तो यह किसी भी रेपो मार्केट के लिए एक फेमस चीज है खास करके बैंक और आरबीआई के बीच में तो ई कुबेर कर एलटीआरओ का प्लेटफॉर्म है ई कोबेर। स्टूडेंट मैं एक आखिरी टॉपिक और शेयर कर लूँ फिर मैं आज की क्लास रोकूंगा फिर आप लोग कल चीजों को पढ़िएगा एक आखिरी विषय तो काफी इंटेंस हो गई चीजें आज ऐसे ही चलेंगी भाई और कोई विकल्प नहीं है हमारे पास और कंपटीशन का लेवल आप देख रहे हैं तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है टी एल टी आर ओ एल टी आर ओ तो समझ में आ गया रेपो ऑपरेशन लंबी अवधि का एक से सा तीन साल का तो उसके आगे एक शब्द लगा दिया टारगेटेड ये फ्लॉप हो गया पर ये तो हमें नहीं पूछेगा को कि ये फ्लॉप हुआ कि सक्सेसफुल हुआ हम ये पढ़ लेते हैं टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस का बहुत सिंपल है रेपो मार्केट का फायदा बैंकों को एल का भी फायदा बैंकों को कॉरपोरेट की तो बात ही नहीं हुई एल आने के बाद बहुत सारे एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कंप्लेन कर रहे थे कि नहीं सर हमारे लिए भी कुछ करिए ये बैंकों को बोलिए ना कि आप आरबीआई के माध्यम से अगर एक लाख करोड़ रुपए लेके आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत हम पर भी तो दीजिए तो हमारी लिक्विडिटी का संकट भी दूर हो जाएगा बैंकों के माध्यम से तो टारगेटेड एल का मतलब क्या है टारगेटेड का मतलब है आरबीआई बैंकों को पैसा देगा लॉन्ग टर्म के लिए रेपो मार्केट के अंतर्गत लेकिन आरबीआई बैंकों को पैसा तभी देगा जब बैंक यह प्रॉमिस करेंगे कि इसका कुछ अंश वह एक विशेष लक्षित संस्थानों को या समूहों को आवंटित करेंगे या एलोकेट करेंगे repeat, आई रिपीट आरबीआई बैंकों को लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस के जरिए पैसा देगा लेकिन अंतर्गत बैंकों को यह प्रॉमिस करना पड़ेगा कि इसमें से अगर वो उन्होंने सौ रुपए जुटाए हैं सौ तो रुपए में से पचास रुपए वो एनबीएफसी को देंगे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को देंगे माइक्रो फाइनेंस कंपनी को देंगे तो इसलिए जो एनबीएफसी कंपनी है उनकी तरलता का संकट दूर हो जाएगा डायग्राम देख लें आरबीआई बैंक आरबीआई और बैंक के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ आई होप आप इस, ए, इस एरो का मतलब समझ रहे होंगे इस एरो का मतलब क्या है इसने सरकारी प्रतिभूति दी इन्होंने कैश दिया और बाद में यह रिवर्स हो जाएगा बाद में रिवर्स होने का मतलब है ये बैंक इसी सरकारी प्रतिभूति को दोबारा खरीद लेगा तो ये हो गया रेपो मार्केट रेपो ऑपरेशन ठीक है ये हो गया रेपो ऑपरेशन इस रेपो ऑपरेशन में अगर लंबी अवधि के लिए ये तो नॉर्मली अभी चलता ही है पर 28 दिन के लिए लेकिन अगर ये लंबी अवधि का हो जाए तो इसे कहेंगे एल टी आर ओ एक से तीन साल का लेकिन टारगेटेड अगर शब्द जुड़ जाए तब इसका मतलब क्या है आरबीआई बैंकों को पैसा देगा और बैंकों को यही पैसा का कुछ अंश हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी मतलब इंडिया बोल्स हाउसिंग फाइनेंस पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस जो सबसे फेमस है एल हाउसिंग फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी मतलब जो केवल घर बनाने के लिए लोन देती है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एचएसी एम एफ आई ये ऐसे समझिए बैंक ने सरकारी प्रतिभूति यहां रखी चार परसेंट के रेपो रेट पे मान लेते हैं एक लाख रुपए जुटाए और फिर आरबीआई बोलेगा कि एक लाख पूरे खुद मत रख लेना ये नहीं इन एक लाख को लेकर आप आ, अपने ग्राहकों को बांट दें इस एक लाख में से आपको पचास हजार करोड़ रुपए या पचास हजार रुपए आपको हाउसिंग फाइनेंस एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को भी देने करेंगे तो सरकार एल कर रही है सॉरी आरबीआई एल आर ओ कर रही है लेकिन आरबीआई का एल बेसिकली यहां पर बैंकों लिए के, के लिए ना होते हुए विशेष प्रकार के समूह के लिए टारगेटेड एल टी आर ओ तो टारगेटेड एल टी आर ओ क्या है विशेष समूह को ध्यान में रखते हुए और ये विशेष समूह है कौन से ये तीनों लिख लीजिएगा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इसे कहते हैं टी एल टी आर ओ आई होप इसे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है एल तो विशेष समूह को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया एल टी का फायदा बैंकों को मिलता है टीएलटीआर का फायदा बैंकों के साथ साथ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन या फिर जो छोटी एनबीएफसी है मझोली एनबीएफसी उनको देखने मिलेगा तो ये आपका हो गया ये बहुत ज्यादा चला नहीं स्टूडेंट ये फ्लॉप हो गया टीएलटी के लिए अप्रैल 2020 में आरबीआई ने दो दो बार बोली मंगवाई पच्चीस पच्चीस हजार करोड़ की बोली मंगवाई थी वो बारह हजार करोड़ ही फेल हो पाया उसका कारण है ना बैंक बोल रहे हैं कि सर ये लोग ऑलरेडी बहुत निक्रष्ट हैं ये ऑलरेडी बहुत डूबे हुए हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एन बी एफ सी एम एफ आई हम नहीं देंगे इनको लोन और आप हमसे कह रहे हो कि हम एक लाख में से फिफ्टी परसेंट आप इनको दें इससे अच्छा है हम एल टी आर ओ में बोली लगाएंगे टी एल टी आर ओ में नहीं लगाएंगे कुछ बैंक सामने आए लेकिन ये उतना चला नहीं उसका कारण एक ही है कि बैंकों को आप जबरदस्ती नहीं कह सकते कि इन लोगों को लोन दीजिए अगर बैंकों को जबरदस्ती टारगेटेड एल करने कहेंगे तो वो उससे पीछे हटने लगेंगे इसलिए बैंक एल के ज्यादा फेवर में है टी के फेवर में नहीं है तो स्टूडेंट अब तक आपने क्या सीख लिया वॉट इज रेपो मार्केट रेपो रेट नहीं रेपो रेट पढ़ चुके हो तुम रेपो मार्केट क्या होता है रेपो मार्केट काम कैसे करता है रेपो मार्केट की अच्छाइयां क्या है भारत में रेपो मार्केट की बुराइयाँ क्या है भारत में वट आर द निगेटिव पॉइंट्स एडवांटेज डिसएडवांटेजेस ऑफ रेपो मार्केट इन इंडिया रेपो मार्केट तीन प्रकार के होते हैं भारत पे इन तीनों प्रकार के रेपो मार्केट को और सशक्त बनाने के लिए और प्रबल बनाने के लिए आर का एक और स्टेप एल टी एल का मेन स्टेप क्या है लिक्विडिटी क्राइसिस को दूर करना लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए और उसके बाद एल के बाद टी एल टी यह विषय हो गया अभी बचा क्या है अभी बचा है अभी जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम ऑपरेशन ट्विस्ट वेरिएबल रेपो रेट फिक्स रेपो रेट ये जो विषय हैं ये मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में देख लूँगा और साथ ही साथ नए टॉपिक्स को भी देखने की कोशिश करेंगे मेरे पढ़ाने का स्तर यही रहेगा मैं इसी तरीके से चीज़ें हैंडल करता हूँ ऐसे ही करूँगा ऐसे ही समझाने की कोशिश करूँगा आप नोट्स बनाते रहना चीज़ें ऑब्जर्व करते रहना आई होप हम धीरे धीरे कर कर सारी चीज़ें अच्छे से कवर कर पाएंगे थैंक यू